राक्षसी प्रवृत्ति कैसी होती है, ध्यान देना, कि जो बाहर से तो संत दिखती है कि सूट बूट पहन लिया, बढ़िया कपड़े पहन लिए, लेकिन अंदर पाप छिपा है। आपने पूतना को देखा था ना, कथा में इसकी कथा सुनी थी कि बाहर से तो वो सुंदर बन गई लेकिन अंदर क्या था, विष भरा पड़ा था। आज का इंसान भी ऐसा ही है कि बाहर से तो बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है लेकिन अंदर विष भरा पड़ा है। आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से परेशान है। कहता कुछ है, करता कुछ है। तब उद्धव जी कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, ऐसा कौन सा उपाय, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे आपकी भक्ति मिल जाए, आपके दर्शन हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि माना कि कलयुग में बहुत अवगुण हैं, लेकिन कलयुग में कुछ गुण भी बताए हैं। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर जन उतर ही पारा। कि जो एक घड़ी आधी घड़ी आधी घड़ी में पुनियाद एक क्षण भी अगर प्रभु की कथा सुन लेता है, एक क्षण भी अगर प्रभु की सेवा कर लेता है, तो उसे प्रभु को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, साक्षात गोविंद उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा किसी न किसी रूप में तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे हृदय में आकर हरि की कथा सुनाते हैं। और ये कथा कब होती है, जब कोई ना कोई भक्त, कोई ना कोई गोपी प्रभु को याद करती है। जब महाराष्ट्र में कन्हैया ने गोपियों को बुलाने के लिए मधुर बांसुरी बजाई, गोपियां अपनी लोक मर्यादा लांघकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर की मुरली की धुन उनके कानों में पड़ रही है। कोई गोपी अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस के दे रही है, कोई गोपी अपने बच्चों को दुग्ध पान करा रही है। लेकिन जैसे ही मेरे ठाकुर की मुरली की धुन उन गोपी के कानों में पड़ी, वो अपनी सुध बुध खो बैठी, दीवानी हो गई, लोक मर्यादा लांघकर सब काम छोड़कर जा रही है। देखो, ये तड़प आपके अंदर भी होनी चाहिए कि जब मेरे ठाकुर की मुरली की धुन तुम्हारे कानों में पड़े, और ये मुरली की धुन क्या है, जब सत्संग की आवाज कानों में पड़ जाए, जैसे ही डेढ़ बजता है, दो बजते हैं, या जब कथा का समय होने लगता है, तो किस किस के मन में बेचैनी होती है कि जल्दी जल्दी काम करो, कथा में जाना है। समझ लो, जिसके मन में बेचैनी होती है ना, तड़प होती है कथा में जाने की, समझ लेना वही गोपी है। उसको मेरे ठाकुर की मुरली की धुन सुनाई दे रही है, वो सब काम छोड़कर कुछ समय परमात्मा के लिए अर्थात कथा के लिए देती है। उसे पता है कि ये जीवन मेरे ठाकुर ने दिया है, ये सुख साधन मेरे गोविंद ने दिए हैं, तो क्या मैं उनके लिए अपना थोड़ा समय नहीं दे सकती। कई गोपियां तो भागी जा रही हैं, दौड़ी जा रही हैं कन्हैया से मिलने के लिए, लेकिन कुछ गोपी ऐसी भी हैं जिसे कोई ले जाने वाला नहीं, या कोई ले जाने वाला है तो उसके पास ले जाने का समय नहीं। और कई गोपी आपके गांव में भी हैं जो बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं जा सकती, उन्हें कोई ले जाने वाला नहीं, ले जाने वाला है तो उसके पास समय नहीं।
कोई अपने शरीर से परेशान, किसी के घुटनों में दर्द, किसी के पैरों में दर्द, किसी के कमर में दर्द, वो घर बैठी बैठी क्या कहती हैं, हे गोविंद हम बड़ी बड़ी कथाओं में तो नहीं जा सकती क्योंकि हम मजबूर हैं, हमारा शरीर साथ नहीं देता, लेकिन हमने सुना है कन्हैया तुम मजबूर नहीं हो, हम तुम्हारे पास नहीं आ सकती तो क्या हुआ, तुम ही हमारे पास आ जाओ। ऐसी कोई तो गोपी होगी जिसने मेरे ठाकुर को याद किया कि हे गोविंद आप किसी बहाने हमसे मिलने आ जाओ। प्यारे, उसी गोपी के मन के भाव जानकर मेरे कन्हैया आपके कुंडली गांव की जाट चौपाल में आपको दर्शन देने के लिए आए हैं। ये प्यारे उन्हीं गोपी के भाव होते हैं जिस भाव के कारण कन्हैया आपसे मिलने के लिए आते हैं। इसलिए अपने भाव हमेशा बना के रखो, ना जाने तुम्हारे मन के भाव कन्हैया के कानों तक पड़ जाएं और मेरे ठाकुर भी सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारा बनकर आए, केवल तुम्हारे लिए आए। और ये श्रीमद् भागवत कथा जो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो श्री हरि नारायण भगवान के मुखारविंद से आरंभ हुई है, कल हमने आपको बताया था ना, गंगा दो प्रकार की है, एक गंगा वो जिससे तन पवित्र होता है जो हरिद्वार में बहती है, और दूसरी गंगा जो श्री हरि नारायण भगवान के मुखारविंद से निकलती है, उसे कहते हैं भागवत कथा रूपी गंगा। और इस भागवत कथा को पितृमोक्षी भागवत कथा भी कहा जाता है, जिस कथा को श्रवण करने से 15 पीढ़ियां तर जाती हैं, जिसके घर में कोई पितृ दोष होता है। और ये पितृ दोष के लक्षण कौन कौन से हैं कि परिवार में वंश की बेल आगे नहीं बढ़ती, घर में बरकत नहीं होती, आपस में एक दूसरे का मन में प्रेम नहीं रहता। आजकल आप देख रहे हो इतना बड़ा घर है, गिनती के 5 जने हैं, लेकिन आपस में बात करने की फुर्सत किसी के पास नहीं, क्यों, सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। ध्यान देना सज्जनों कि पहले बड़े बूढ़े अपनी पुरानी कथाएं सुनाते थे अपने बच्चों को, और उन्हीं कथाओं से बच्चों में संस्कार आते थे, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए जाते हैं। कोई दादा को नहीं पूछता, कोई दादी को नहीं पूछता, कोई बड़े बूढ़ों को नहीं पूछता, सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज अपने बच्चों को धन दौलत देने में लगे हैं, सुख साधन देने में लगे हैं, लेकिन जो एक चीज देनी है वो उसमें सब पीछे हैं, क्या, संस्कार। बचपन में भक्ति अमृत के समान है, ध्यान देना। कई तो कहते हैं बेटा भी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, कथा तो हम बूढ़ों के सुनने के समय है। जो अपने बच्चों से कहते हैं ना कि तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, कथा सुनने का तो हमारा हमारी उम्र है बुढ़ापे की, वो समझ लो अपने बच्चों से दुश्मनी निकाल रहे हैं। क्योंकि सबसे अच्छा समय कौन सा है, बचपन में भक्ति अमृत के समान है। जो बच्चा 15 मिनट में भक्ति कर लेता है ना, बुढ़ापे में 6 घंटे में भी नहीं हो पाती। कभी पैरों में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी कहां दर्द, कभी कहां दर्द। जवानी में भक्ति दूध घी के समान है और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। प्यारे, आपने अमृत नहीं पिया बचपन में, कोई बात नहीं। जवानी में दूध घी नहीं पिया, कोई बात नहीं, कम से कम बुढ़ापे में पानी तो पी लो।
और अपने बच्चों को अमृत जरूर पिलाओ, अर्थात कथा में लाओ, सत्संग में लाओ, सत्संग से जोड़ो, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते 10 बात सुनेंगे और 10 बात में से एक बात भी अगर दिमाग में बैठ गई तो वो बच्चे तुम्हारा बुढ़ापा सुधार देंगे, बुढ़ापे में तुम्हारी वो सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें अमृत पान कराया है, कथा से जोड़ा है, सत्संग से जोड़ा है, अर्थात परमात्मा से जोड़ा है। लेकिन आजकल सब अपने बच्चों को केवल एक चीज सिखाते हैं, धन कमाओ, चाहे कैसे भी कमाओ। और प्यारे, इसी पढ़ाई के चक्कर में इंसान धन के पीछे बावला हो रहा है, धन के पीछे भागा जा रहा है, फिर वो ना घर परिवार देखता, ना बुजुर्ग देखता, ना माता पिता देखता, ना रिश्तेदार देखता, केवल धन को ही भगवान मानता है और यही कहता है, बहन बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। उसे लगता है कि जेब में पैसे हैं तो सब पूछेंगे आप कैसे हैं। लेकिन प्यारे, धन उतना ही आवश्यक है जितनी तुम्हारी जरूरत है। अगर धन की अति हो गई तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और प्यारे, सारी जिंदगी वो धन के पीछे भागता है, अंत में ना धन दिखाई देता ना काया दिखाई देती, क्योंकि जब धन पास में आता है तो ये काया रूपी धन खराब होना चालू हो जाता है। इसीलिए प्यारे, तुम्हारा अपना क्या है जो तुम कथा में बैठकर ठाकुर को समय दे रहे हो? ये तुम्हारा अपना है, जो कथा में बैठकर तुम अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा कर रहे हो, चाहे तन से सेवा हो या मन से सेवा हो या सामर्थ्य अनुसार धन से सेवा हो, ये केवल तुम्हारा अपना है। बाकी सब इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा तुम्हें समझाते हैं कि भैया मूर्ख मत बनो, धन को भगवान मत मानो, भगवान को धन मानो। इसीलिए संत महात्मा क्या समझा रहे हैं, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, 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 ये तो सब झूठा सपना है, 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 कुछ तेरा ना मेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। और प्यारे, आज इंसान कितना खुश होता है, मेरा इतना बड़ा बंगला है, मेरी इतनी सुंदर कोठी है, मेरे पास इतनी धन दौलत है। और प्यारे, जब अंत समय आता है तो ये कोठी बंगला धन दौलत सब यही रह जाती है, कुछ साथ नहीं जाता। इसीलिए ये इंसान दुखी क्यों है? जो साथ जाना है उसको तो छोड़कर जा रहा है, और प्यारे जो सब कुछ रह जाएगा उसे जोड़ने में लगा हुआ है, ये मेरे प्लॉट बन जाए, कोठी बन जाए, बंगले बन जाए, पल का भरोसा नहीं और साथ वर्षों का सामान इकट्ठा करने में लगा हुआ है। क्या कहते हैं संत महात्मा, कितनी भी माया जोड़ ले,
कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले। प्यारे तुमने अपना पेट काट के धन दौलत इकट्ठा करी, मेरे इस बेटे का भी मकान बन जाए, मेरे इस बेटे की भी दुकान बन जाए, अरे इसका भी काम चल जाए। सब कुछ तुमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब तुम्हारा अंत समय आया तो वो बेटे क्या करने लगे, क्या दो गज कफन उड़ा के तुझको, 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 छीन लेंगे तेरा डेरा मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। और क्या वे कि जो तुम्हारे पास है उसमें आनंद बनाओ। इंसान दुखी क्यों है कि जो पास में है उसमें आनंद नहीं मनाता, जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में दुखी रहता है। इसीलिए प्रभु से कहो कि हे प्रभु, आपने जो भी दिया बहुत है। एक बार सुदामा का जीवन जीकर देख लेना, धनवान वो नहीं जिसके पास धन दौलत है, धनवान वो है जिसके मन में संतोष है। क्या कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। क्या करूं महाराज, मैं कथा में आ तो जाऊं लेकिन मेरे पोता पोती है ना आने नहीं देते, ये मेरे रिश्तेदार है ना इनकी सेवा में लगती हूं तो समय नहीं मिलता। प्यारे ये पोता पोती रिश्तेदार सगे संबंधी किसने दिए, ये सुख साधन किसने दिए? प्यारे मेरे ठाकुर ने, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया कम से कम उसके लिए समय तो निकाल लो। क्या ये जो तुम माया देख रहे हो ना, ये सिर्फ चार दिन की है, लेकिन सत्य परमात्मा जब तुम नहीं थे तो भी था, जब तुम हो तो भी है, और जब तुम नहीं रहोगे तो भी रहेगा। जब ये तुम्हें बुला रहा है तो प्यारे कुछ समय मेरे ठाकुर के लिए भी दे दो। क्या कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। ये तो चार दिनों की चांदनी, ये तो चार दिनों की चांदनी, तो चार दिनों की चांदनी, ये तो चार दिनों की चांदनी, फिर आएगा अंधेरा मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये भागवत कथा क्यों होती है, ये सत्संग क्यों कराया जाता है? बड़े बड़े लाखों रुपए लगा के पंडाल सजा के भागवत कथा इसीलिए कराई जाती है कि जिसके पास समय नहीं होता वो दो घड़ी कथा में आकर अपने मन को शांत करता है। ना जाने मेरा कौन सा पाप भागवत कथा सुन के कट जाए, जाने अनजाने में इंसान बहुत पाप करता है,
और जब मेरे ठाकुर की कृपा होती है, जब उसे भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है और संत महात्मा के मुखारविंद से तुम्हें समझाया जाता है, क्या पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। हाँ पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय अब मानव तू राम नाम गुण गाले। कुछ तो समय है अब मानव तू राम नाम गुण गाले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का फेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ मेरा ना मेरा मूरख बंदे हो, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भजन की सेवा करते हुए कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि जोर से बोलना पड़ेगा। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बड़े भाव से हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उतारना होगा कि प्यारे
ये सर्वप्रथम भागवत कथा की ज्ञान गंगा कहां से आरंभ हुई? जी, सर्वप्रथम श्री हरि नारायण भगवान के मुखारविंद से ये भागवत कथा रूपी गंगा निकली और श्री हरि नारायण भगवान ने ये ज्ञान गंगा ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को और श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को और श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को। और ये परीक्षित कौन है जिसे 7 दिन की मृत्यु का श्राप लगा था? और प्यारे, ये परीक्षित और कोई नहीं, ये आप और हम ही हैं। हमें भी 7 दिन का ही श्राप लगा हुआ है। जैसे राजा परीक्षित को श्राप दिया गया कि तुम्हें इन 7 दिनों में काला तक्षक नाग डस लेगा निश्चित रूप से। और प्यारे, यही काल रूपी तक्षक नाग हमारा भी इंतजार कर रहा है। इन्हीं 7 दिनों में हर इंसान को ये तक्षक नाग डसता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कई लोग कहते हैं, महाराज जी एक बात बताओ, ये भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, साल 2 साल की क्यों नहीं होती? ये 7 दिन क्यों साप्ताहिक कहे गए हैं? क्योंकि प्यारे, 8वां दिन किसी को नहीं मिला। ये 7 दिन तुम्हें मिले हैं अपने जीवन को तारने के लिए। ये 7 दिन तुम्हें मिले हैं भक्ति और मुक्ति पाने के लिए। 84 लाख योनियां होती हैं, ध्यान देना, ये 84 लाख योनियां होती हैं और 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि इंसान की होती है, जिसे मनुष्य योनि भी कहा जाता है। और इस योनि में ऐसा क्या है जो इसे सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है? क्योंकि ये अपनी बात समझा भी सकता है भाषा के द्वारा, दूसरों की बात समझ भी सकता है और सबसे बड़ा गुण कि ये धन कमा सकता है। और कोई पशु पक्षी जीव जंतु धन नहीं कमा सकता, उसे धन की कदर भी नहीं है। क्यों? उसे पता है हमें हमारे कर्मों का मिलेगा। लेकिन इंसान ही ऐसा है जो अपने कर्म द्वारा अपना प्रारब्ध बनाता है। और चमत्कार देखो कि कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर भूखा नहीं रहता, भूखा नहीं सोता, और इंसान का कभी पेट, इतना समझदार होने के बाद में भी उसकी हाय हाय समाप्त नहीं होती। इसीलिए ये 7 दिन का समय मिला है। ना जाने कितने सत्कर्म जागृत होते हैं, ना जाने कितने तुम्हारे पुण्य जागृत होते हैं, तब तुम्हें भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। प्यारे, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। सिर्फ पृथ्वी लोक में मनुष्य को ही यह भागवत कथा का अमृत पान मिला है, वो भी किसके द्वारा? परीक्षित के द्वारा। इसीलिए प्यारे, 7 दिन आप बिल्कुल परीक्षित बन के कथा सुनो। जैसे एकाग्र मन से अपने जीवन को तारने के लिए, भक्ति और मुक्ति पाने के लिए उसने सब तरफ से ध्यान हटाकर केवल परमात्मा में ध्यान लगा दिया, क्योंकि उसे पता है मेरे केवल 7 दिन ही है जीने के। और ये इंसान को भी पता है कि हमारी जिंदगी 7 दिन की है। अब कई कहते हैं, महाराज हमारी जिंदगी तो 50, 60, 70 साल, 80 साल की है। आपको बता देते हैं, हफ्ते में कितने वार होते हैं? सिर्फ 7।
इतवार, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और फिर इतवार, इन्हीं सात दिनों में जन्म होता है और इन्हीं सात दिनों में मृत्यु होती है। अब जन्म और मरण दोनों परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखे हैं, तो हमें क्या करना है कि जन्म और मरण का जो बीच का समय है वो कैसे जिया जाए। चाहे हंस के जी लो, चाहे रो के जी लो, तो क्यों ना प्यारे परमात्मा की कृपा पाकर हंसते हुए जीवन काटो। कि कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, बस काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये जीवन काटने की चीज है, कभी भूल के मत कहना कि बस काट रहे हैं। दो चीजें हमेशा याद रखना, कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे। ये भागवत कथा पे रतन जो मिलते हैं ना, ये रतन उन्हीं को मिलते हैं जो रतन पाना चाहते हैं। इसीलिए प्यारे अपने कानों के छिद्रों को खोलो, न जाने कौन सा शब्द तुम्हारा जीवन बदल दे। कथा तो बहुत सुनते हैं लेकिन कृपा किसी किसी को मिलती है जो इस कथा को अपने एकाग्र होकर कथा को श्रवण करता है। कि कभी सुख में फूलो मत कि हां मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत धन दौलत है, मेरे पास कोई दुख नहीं है। ईमानदारी से बताएं आपको, जितना धन होता है ना इंसान उतना ज्यादा दुखी रहता है। हमारे पास करोड़पति भी आते हैं और कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी हैं, घर में 500 गज का 1000 गज का मकान, महल, बंगला बना रखा है, घरों में दो दो टन के कई एयर कंडीशन भी हैं, घरों में दंडलप के इतने मोटे मोटे गद्दे भी हैं, लेकिन रातों को नींद नहीं आती, गले में मोटी मोटी चैने हैं लेकिन मन में चैन नहीं है। क्यों? मन बेचैन है, उन्हें अभिमान है कि हम धनवान हैं। कोई हमारा धन ना चुरा ले इसलिए रातों को नींद भी नहीं आती, कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए तो परेशान रहते हैं। इसीलिए प्यारे हमेशा सुदामा बन के जियो, चाहे कितनी ही ऊंचाई पालो। आपने हवाई जहाज देखा है, कितना ही ऊंचे ऊंचाई पर उड़ जाए लेकिन बाद में कहां आता है, धरती पे। क्यों? उसे पता है कि धरती से ही मेरा गुजारा है, अगर मैं आकाश में उड़ता रहा तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। इसीलिए कितनी ऊंचाई पर चले जाओ लेकिन जमीन से जुड़े रहो, अपना मन हमेशा परमात्मा में लगाए रखो कि हे ठाकुर तुम्हारी कृपा है। इसलिए धन आए तो फूलो मत, सुख आए तो फूलो मत और दुख आए तो रो मत। जरा सा दुख आता है दूसरों को बताना चालू कर देते हैं, ठाकुर ने हमारी झोली में इतने दुख डाल दिए, क्या हम अकेले ही हैं दुख पाने के लिए। इसीलिए दो चीज याद रखना, बड़े ध्यान से सुनना, कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, अगर तुम्हारे घर में सुख साधन है, धन दौलत है, कितनी कहते ना प्रभु धन इतना दीजिए जा मैं कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरे साथ न भूखा जाए। कि प्रभु इतना ही धन देना कि मेरे परिवार भी चलता रहे और घर में कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी घर में आए वो कभी खाली ना जाए, कभी भूखी ना जाए, हमारे द्वार पे कोई संत महात्मा भी आ जाए तो खुश होकर आए और खुश होकर जाए। तो समझ लेना तुम सबसे बड़े धनवान हो। और फिर तुमसे कोई पूछे क्या हाल है तो गर्व से कहना हरि की कृपा है। क्या? थोड़ा जोर से बोलो, लेंटर कमजोर है। क्या हाल है? क्या हाल है? हरि की।
और प्यारे जब हरि की कृपा होती है तो बच्चों में संस्कार अपने आप आ जाते हैं। लेकिन आजकल लगता है कुछ का स्वभाव बदल गया है। क्या कहते हैं, प्रबुधन इतना दीजिए जामे बैंक भर जाए, ऐसो काम करके चलूं कोई मेरे घर ना आए। कि आजकल कोई इंसान को इंसान देखकर खुश नहीं है। घर में अगर पांच छह जने भी आ जाते हैं ना तो आजकल के भूखों के हाथ पैर फूल जाते हैं, अब इनकी सेवा कैसे करें। लेकिन कईयों के घर में साक्षात लक्ष्मी रूपी बहू भी हैं। लक्ष्मी किसे कहते हैं, जिसके लक्षण अच्छे होते हैं। लक्ष्मी उसे नहीं जो ज्यादा धन दौलत लेके आती है। प्यारे ऐसा भी देखा है जो ज्यादा धन दौलत लेके आती है पूरे घर को नचा डालती है। इसलिए वो लक्ष्मी नहीं चाहिए जिसके लक्षण हो अच्छे। प्यारे वो लक्ष्मी आ गई तो समझ लेना तुम्हें सेवा का फल मिल गया। और अगर थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत, क्योंकि इंसान आजकल दुख में जल्दी घबरा जाता है। अच्छा ये बताओ, दुख से छुटकारा कौन कौन पाना चाहता है? कोई बात नहीं, बता दो, चिंता मत करो। कौन कौन पाना चाहता है दुख से छुटकारा? चलो एक बात बता दें आपको, असल में जो दुख से छुटकारा पाना चाहता है वो भगवान को पाना ही नहीं चाहता। क्यों? एक दुखी तो है जिसमें तुम थोड़ा बहुत प्रभु को याद करते हो, हैं? सुख में तो केवल नोट गिनते हैं, ध्यान देना। मेरे इतने प्लाट बन गए, इतना किराया आ रहा है, इतना ये आ रहा है, ये सच्चाई है, ध्यान देना। कुछ है जो सुख में प्रभु को भी याद करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। लेकिन हमने ऐसे करोड़पति भी देखे हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है लेकिन मन फिर भी छोटा है। जिसके पास नहीं है प्यारे, मन उसका बहुत होता है कि मैं प्रभु के लिए क्या कर दूं, मेरे घर में अतिथि बनकर मेरे ठाकुर आए हैं। और जिनके पास ऐसे भी देखे हैं कोई कमी नहीं, वो केवल तमाशा देखने आते हैं, कमियां निकालने आते हैं। धनवान वो नहीं जिसके पास धन दौलत है, धनवान वो है प्यारे जिसका मेरे ठाकुर ने मन दे रखा है। अगर थोड़ा वो दुख भी आए तो घबराना मत, ये दुख क्या है, ये तुम्हारी परीक्षाएं हैं। एक बार कन्हैया बहुत प्रसन्न थे और कुंती मां से कहने लगे, मां आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। कुंती मां ने कहा, बेटा आज तू बहुत प्रसन्न है? बोले हां। कुछ देना ही चाहता है? बोले हां। तो मुझे एक काम कर, इतने दुख देना कि हर दुख में केवल तेरा ही नाम निकले। क्योंकि अगर सुख आ गया तो हो सकता है उस सुख के चक्कर में मैं तेरा नाम लेना भूल जाऊं। इसलिए प्रभु से कहो कि ठाकुर जी अगर सुख दे दिया तो हरि कृपा समझेंगे, और अगर दुख आ गया तो हरि की इच्छा समझकर उसे भी स्वीकार करेंगे। इसलिए सुख में फूलो मत और दुख में घबराओ मत। ये भगवान तुम्हारी परीक्षा लेता है कि देखते हैं तुम टूट जाते हो या दुख में डटे रहते हो। और जो दुख में घबराता नहीं है उसे लगता है कि मेरा ठाकुर मेरा साथ है, मैं क्यों घबराऊं। वो यही कहता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। किस किस का मेरे श्याम से नाता है, जरा हाथ उठाएंगे।
जिसका शाम से नाता है वही हाथ उठाएंगे, जिसका पड़ोसन से नाता है वो हाथ ना उठाए। जरा हाथ उठा के ताली में क्या कहेंगे, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जिसका शाम से नाता है दोनों हाथ उठा के ताली में सेवा करेंगे। बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल, शाम नाम लेते ही छट जाते, जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। बाल की बांका वो ना कर पाते, बाल की बांका वो ना कर पाते, पल भर में भी वो नजर आते, बाल की बांका वो ना कर पाते, पल भर में भी वो नजर आते। चाहे कितना भी दुख आ जाए घबराना मत, एक बार मेरे ठाकुर के चरणों को स्पर्श कर लेना, मेरे ठाकुर को पुकार लेना, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, जैसे गज ने पुकारा, जैसे द्रौपदी के लिए आए, गज के लिए आए, तुम्हारे लिए भी आएंगे। लेकिन तुम्हें कहना पड़ेगा क्या, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी। अब आप नहीं बोलोगे, कल बताया था ना, इधर वृंदावन वाले हैं, इस साइड बरसाने वाले हैं। अब देख लेते हैं किसमें ज्यादा पावर है। पहले वृंदावन वाले बोलेंगे, मेरी ये जीवन गाड़ी। अभी लगता है खाना नहीं खाया इन्होंने। मेरी ये जीवन गाड़ी। अब बरसाने वालों की बारी है भैया, लाज तुम्हारे हाथ में है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी। अब बरसाना और वृंदावन जरा दोनों बोलेंगे, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। तू घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। तू घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। भाई अपने हाथों को तालियों की सेवा में, ¡Gracias!
मुझ पे पड़ती है दरकार, जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार, जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार, शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार, आपने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम ना लगे, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है, घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है, मेरा तो शाम सुनाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। इसीलिए प्यारे कि सुख आए तो फूलना मत, दुख आए तो रोना मत, हमेशा यही कहना कि भगवान सदा हमारे साथ है, क्योंकि भागवत कथा का प्रथम श्लोक भी यही कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, कि जिसके हृदय में सच्चिदानंद भगवान का निवास हो जाता है। ये सच्चिदानंद क्या है? सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? कि जब आप नहीं थे तब भी भगवान थे, जब आप हो तब भी भगवान है, और जब आप नहीं रहोगे तब भी भगवान। राम का नाम सत्य था, राम का नाम सत्य है, और राम का नाम सत्य, ये सत्य है। लेकिन जीते जी सत्य को कोई मानना नहीं चाहता। सबको पता है राम का नाम सत्य है, लेकिन कोई किसी के घर के आगे बोल सकता है क्या कि राम नाम क्या होगा? पीछे पड़ जाएंगे। कि जीते जी किसी के घर को सुना नहीं सकते जाकर। कब सुनाते हैं प्यारे? जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसको सजा के ले जाया जाता है, जब वो ना हाथ हिला सकता, ना बोल सकता, ना सुन सकता, तब सब मिलके उसे सुनाते हैं क्या? राम नाम। अरे भैया, जीते जी इस चीज को समझ लो कि राम का नाम हमेशा सत्य है, और जिसे ये महसूस हो जाता है, जिसे विश्वास हो जाता है कि मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, भगवान सदा मेरे साथ है। लेकिन फिर भी इंसान पाप करते समय, चोरी करते समय, बेईमानी करते समय इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, सामने भी देखता है, पीछे भी देखता है, लेकिन ऊपर देखना वो भूल जाता है कि हमारा
कैमरा ऑफलाइन हो सकता है लेकिन ठाकुर का कैमरा हमेशा ऑनलाइन रहता है। कि तुम कोई भी कर्म करते हो, अच्छा करो या बुरा करो, उस सब का खाता मेरे ठाकुर के हाथ में है। इसीलिए सोच समझ के कार्य किया करो। कि प्यारे, ये श्रीमद् भागवत कथा जिस गंगा में आप प्रवेश करने जा रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम्हें सात दिन की कथा समझ में आए। आपने भागवत कथा के केवल चार अक्षर समझ लिए तो विश्वास मानो पूरी भागवत कथा उतर जाएगी। चलो तुम्हारा कल का टेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा, कि पता तो लगे कि तुमने कल कथा सुनी या नहीं सुनी। कि आपने कल भागवत कथा में मंगल कलश का महत्व जाना, अर्थ जाना, कि असल में मंगल कलश है क्या। तो मंगल कलश के अंदर जो जल है वो क्या है? देखो ये वृंदावन से ज्यादा तेज आवाज आ रही है, बरसाने वाले तो स्टार प्लस देख रहे हैं। हाँ, तो मंगल कलश के अंदर जल क्या है और कलश के अंदर जो सिक्का है लक्ष्मी जी, और लोटा क्या है गणेश जी, और श्रीफल अर्थात नारियल कार्तिकेय जी। प्यारे, जब आप इस मंगल कलश को शीश पे धारण करके नगर परिक्रमा करते हैं तो समझ लेना आप नारायण भगवान को साथ लेकर चल रहे हैं, जैसे वसुदेव जी लेकर गए। जब वसुदेव जी लेकर गए तो चमत्कार देखा आपने, सारी बेड़ियां अपने आप खुल गई, सारे बंद ताले अपने आप खुल गए। जो पहरेदार 24 घंटे जागते थे वो अपने आप सो गए, अर्थात पूरा रास्ता साफ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो ठाकुर जी को साथ लेकर गए। कि जब तुम गोविंद को साथ लेके जाते हो तो प्यारे तुम्हारे तकदीर के बंद रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जब आप मंगल कलश शीश पे धर के चलते हो तो तुम्हारे घर पे कितने भी संकट आदि व्याधि होती हैं सब श्री हरि अपने ऊपर ले लेते हैं कि तू चिंता मत कर, तू मुझे साथ लेकर गया है ना, अब तेरे सब सुख और दुख मेरे हाथ में है, तू अपने आप को अकेला मत जान। तो प्यारे, ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि पूरी भागवत कथा समझ में आए तो चार अक्षर समझ लेना, मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। चार अक्षर कौन से हैं बोलो? भा, ग, व और ओहो, सब ज्ञानी है। सिर्फ चार अक्षर समझने हैं और जिसने चार अक्षर समझ लिए समझ लेना भगवान को समझ लिया। अब ये चार अक्षर का अर्थ क्या है बोलो? भा से भक्ति, थोड़ा और धीरे बोलो, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तुरंत मुक्ति। तुरंत मुक्ति में थोड़ी सी आवाज कम निकली है, कहीं महाराज जी वाली मुक्ति ना हो जाए। प्यारे, मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, ध्यान देना। आपको कथा में बताएंगे मुक्ति और मृत्यु में भी अंतर होता है। यह मत सोचना कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, प्यारे जीते जी भी मुक्ति मिलती है, बशर्ते मुक्ति पाने वाला होना चाहिए। अब भास से भक्ति, ये भक्ति क्या है? भक्ति ये नहीं होती कि तिलक लगा के घूमो, भगवा कपड़े धारण कर लो या हाथ में माला लेके सबको दिखाओ, ये भक्ति नहीं होती। हाथ में माला है और हमारे ध्यान इधर उधर की बातों में है तो ऐसी माला का कोई फायदा नहीं। तो कैसे पता चले कि हम भक्त बन गए हैं? क्या हम जोर जोर से
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माता की, या कुछ भी मंत्र हम दुनिया को सुनाते हैं ना, ये भक्ति नहीं होती। क्योंकि भक्ति हमेशा दिखाने की चीज नहीं है। क्या दीपक किसी को बताता है कि मैं दीपक हूं? प्यारे, जब जलता है तो सबको पता लग जाता है कि दीपक जल रहा है। फूलों को बताने की जरूरत नहीं होती कि हम फूल हैं। प्यारे, जब फूल आएंगे, खुशबू उड़ेगी, तो सबको पता लग जाएगा कि हाँ, फूल आ गए हैं। तो भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे अपने आप समझ जाए, तुम्हें बताने की जरूरत ना हो। तो ये भक्ति कैसे जागृत होती है, ध्यान देना कि जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, कोई तुमसे पूछे कितना प्रेम करते हो बच्चों से, क्या कोई नाप तोल है? 1 किलो, 2 किलो, 100 किलो? अरे, बच्चों का प्रेम तो अनमोल है। जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, कोई नाप तोल है प्रेम परिवार से प्रेम का? जितना प्रेम तुम अपनी धन दौलत से करते हो, संभाल के रखते हो, अलमारी में रखते हो, बैंक में रखते हो, छुपा के रखते हो, क्यों? प्रेम करते हो। तो बड़े ध्यान से सुनना, जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने घर परिवार से करते हो, जितना प्रेम तुम अपनी धन दौलत से करते हो, यदि उतना ही प्रेम मेरे गोविंद से भी हो जाए, तो तुम्हारी भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। प्रेम करो तो मन से करो, जैसे अपने बच्चों से करते हो ना। क्या तुम्हारे बेटे के माथे पे तख्ती लगी कि तुम्हारा बेटा है? क्या तुम्हारे भाई के माथे पे तख्ती लगी कि तुम्हारा भाई है? तो तुमने उसे मन से अपना मान लिया है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है। उसी विश्वास वाले मन से जब तुम ठाकुर को भी अपना बना लो, उससे भी रिश्ता जोड़ लो, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे भाई के रूप में, तमाशा बनाने वाले भी अपने होते हैं और तमाशा देखने वाले भी
अपने ही होते हैं, कोई गैर नहीं होता। कहते हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। प्यारे गैर कभी नहीं लूटते, क्यों लूटेंगे, वो तो तुम्हें जानते भी नहीं। लूटने वाले अपने ही होते हैं और तमाशा देखने वाले भी अपने होते हैं। जब देखा कि मेरे अपने तमाशा बनाने वाले भी यही हैं और देखने वाले भी यही हैं। जब द्रौपदी ने सभी रिश्तेदारों को देखा, सबकी नजरें नीचे थी, उसे पता लग गया कि संसार में गोविंद के सिवा कोई अपना नहीं है। उसे संसार से वैराग हो गया, ध्यान देना। जिसे संसार से प्रेम रहता है ना, वो गोविंद से थोड़ा दूर रहता है। और जब वही संसार उसे चोट मारता है, धोखा देता है, उसे उससे वैराग्य हो जाता है। और जब संसार से वैराग हो जाए तो समझ लेना मेरा ठाकुर तुम्हें अपना बनाना चाहता है। अब प्यारे, जब देखा कि कोई साथ नहीं दे रहा, तब द्रौपदी पुकार रही है कि हे गोविंद एक बार आ जाओ। तब द्रौपदी क्या कहती है, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। भाव से बोलेंगे सभी, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरली घर आनंद नंदलाल चले आओ, मुरली घर आनंद नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। और प्यारे, जैसे ही द्रौपदी ने गोविंद को बुलाया, प्यारे इतनी जल्दी गोविंद नहीं आए। क्यों? वो तुम्हारा विश्वास देखते हैं कि तुम्हारा विश्वास है या केवल खाली मुख से बोल रहे हो। जब कन्हैया नहीं आए तो द्रौपदी ने सोचा, मेरे ठाकुर में, मेरे भाई में कोई कमी नहीं है, हो सकता है मेरी पुकार में कमी हो, मेरे विश्वास में कमी हो। तब द्रौपदी ने क्या देखा कि लगता है मेरे विश्वास में ही कमी है, मेरी पुकार में ही कमी है। क्या? एक हाथ से गोविंद को पुकार रही थी तो दूसरे हाथ से अपनी साड़ी की लाज खुद बचाने के चक्कर में लगी थी कि भगवान देखता है तूने पूर्ण विश्वास से मुझे नहीं बुलाया। अरे जब तुम अपनी लाज बचाने के चक्कर में खुद ही परेशान हो रहे हो तो भगवान कहते पहले तू खुद ही कार्य कर ले। जब तक अपने घर की गाड़ी खुद चलाने में लगे रहोगे तब तक हमेशा परेशान रहोगे। एक बार कहकर देखो कि हे गोविंद मेरे घर की बाग डोर, मेरे घर की गाड़ी का स्टेयरिंग तेरे हाथ में है। और जिस समय तुम अपने घर की गाड़ी की बाग डोर, मेरे घर की गाड़ी की स्टेयरिंग मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप दोगे कि ठाकुर अब तू मेरा रथ संभाल, मेरी गाड़ी चला, फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं।
अब द्रौपदी ने भी देखा कि जब तक मैं खुद अपनी लाज बचा रही हूं इसीलिए मेरा ठाकुर नहीं आ रहा। अब तो प्यारे दोनों हाथ ऊपर करके जब ठाकुर को पुकारने लगी तो कन्हैया वस्त्रों के रूप में भी आ गए और उस द्रौपदी की लाज बचाई। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कन्हैया से कोई भी रिश्ता बनाओ, चाहे पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, सखा के रूप में या पिता के रूप में, लेकिन एक रिश्ता मत बनाना जिससे मेरा ठाकुर बहुत दूर हो जाता है। और वो रिश्ता कौन सा होता है? भगवान। इसे भगवान कभी मत मानना। अब बोले महाराज ये क्या, सब कहते ये हमारे भगवान हैं। अरे वो यही तो दिखाना चाहते कि तुम अपना भ्रम दूर कर लो, कि जो तुम मुझे भगवान मान लोगे तो मैं फिर वो अलमारी में ही रहूंगा, मंदिरों में ही रहूंगा, तुम्हारे हृदय में नहीं आऊंगा। क्योंकि जब भगवान मानते हैं ना तो सुबह आरती करी, दरवाजा बंद कर दिया मंदिर का, फिर शाम की आरती में याद आते हैं। और ये प्रमाण भागवत कथा की माटी की लीला में ठाकुर ने करके दिखा दिया है, क्योंकि ये तुम्हें उदाहरण के साथ में दृष्टांत भी दिखाते हैं कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए कि जब कन्हैया बाल लीला कर रहे थे, जब कन्हैया बाल लीला कर रहे थे तो उस लीला में एक लीला आपने सुनी होगी, माटी की लीला, कि कन्हैया ने माखन तो प्रिय था ही लेकिन साथ में एक दिन माटी भी खा ली। और उनके एक प्रिय सखा थे जिसका नाम था मनसुखा, और मनसुखा ने यशोदा मैया से शिकायत करी कि अरे मैया तेरे लाला माखन नहीं माटी भी खावे। अब तो यशोदा मैया हैरान कि हम दुनिया भर का माखन खिलाते हैं, ये माटी के चक्कर में कब से पड़ गया, कहां है लला, चलो मेरे साथ। अब मैया मनसुखा के साथ गई कन्हैया के पास तो क्या देखा, कन्हैया का पूरे मुख में माटी लगी है। है रे लला तेने माटी खाई? अब देखो मेरे ठाकुर क्या कहते हैं, पूरे मुख में माटी लगी और कहते हैं मैया मैं ना ही माटी खाई। कन्हैया कभी झूठ नहीं कहते, ध्यान देना, कन्हैया सच कह रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं कि मैया मैंने ही माटी खाई, लेकिन यशोदा मैया को लग रहा है कि मैं ना ही माटी खाई कह रहे हैं। तब यशोदा मैया कन्हैया से कहती है अरे लाला जरा मुख तो खोल के दिखा, अगर माटी नहीं खाई तो। जैसे ही छोटे से कन्हैया ने अपना छोटा सा मुखमंडल खोला, उस मुख के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। ना जाने कितनी गैलेक्सियां, कितने ग्रह, कितने नक्षत्र। जैसे ही यशोदा मैया ने गौर करके देखा तो क्या देखा, उस ब्रह्मांड में एक छोटा सा बिंदु दिखाई दिया। मैया ने वो बिंदु देखा कि ये क्या है, तो देखकर पता लगा कि वो बिंदु भारत देश है। जैसे ही यशोदा मैया ने उस बिंदु को गौर करके देखा तो उस बिंदु के अंदर भी बिंदु दिख गया, अर्थात भारत देश के अंदर भी एक बिंदु दिख गया जिसे कहते हैं दिल्ली। जैसे ही यशोदा मैया ने और गौर करके देखा उस दिल्ली रूपी बिंदु में भी एक बिंदु दिख गया, और वो बिंदु था कुंडली गांव। और जैसे ही उस कुंडली रूपी गांव में जो बिंदु था और गौर करके देखा यशोदा मैया ने तो क्या देखा, उस कुंडली गांव के जाट चौपाल में मेरे ठाकुर की भागवत कथा का भक्त लोग श्रवण कर रहे हैं। और प्यारे यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, अचानक यशोदा मैया को मूर्छा आ गई, बेहोश हो गई। और जैसे ही नींद खुली, मूर्छा खुली, तो प्यारे यशोदा मैया सब कुछ भूल गई। प्यारे यशोदा मैया भूली नहीं थी, मेरे ठाकुर ने उसे भुला दिया था। क्यों?
क्योंकि अगर यशोदा मैया को यह सब याद रहता कि मेरे बेटे के मुख में ब्रह्मांड है, इसका मतलब ये साधारण इंसान नहीं, ये तो भगवान है। वो नहीं चाहते थे कि ये मुझे भगवान माने, वो चाहते थे कि मैया मुझे तू बेटा समझ के ही डांटती रहे, प्यार करती रहे, लाड लड़ाती रहे। इसीलिए वो आप सबसे भी चाहते हैं कि आप भी मुझे बेटा मान के प्रेम करो, भाई मान के प्रेम करो, पिता मान के सम्मान करो, सखा मान के अपने मन की बात बताओ, लेकिन भगवान मत मानना। कि एक बूढ़ी मैया जो हमेशा लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के समान मानती थी, लेकिन आजकल तो रीस हो रही है, ध्यान देना, रीस का मतलब समझते हो, पड़ोसन अगर 8 नंबर का लड्डू गोपाल लाई है तो मैं 10 नंबर का लाऊंगी, उससे बड़ा लेके आऊंगी। अब लड्डू गोपाल ले तो आए, अब हमारे पास आके कई बार कई माताएं बहनें आती हैं और कहती है महाराज हमने लड्डू गोपाल को रखा है, इनकी सेवा कैसे करें। बड़े ध्यान से सुनना, किन किन के पास लड्डू गोपाल जी हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सबके लिए बहुत काम की बात है। कई माताएं बहनें हमारे पास आती हैं और कहती है महाराज हमने लड्डू गोपाल जी को रखा है, इनकी सेवा कैसे करें। तब हम उनसे एक ही बात कहते हैं, सबसे पहले अपने शब्दों को बदलो। कभी मत कहो कि हमने लड्डू गोपाल जी को रखा है, क्या इतनी शक्ति है कि तुम लड्डू गोपाल जी को रखो, यही कहो लड्डू गोपाल जी ने हमें रख रखा है। और जब भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में प्रवेश करो तो एक चीज बिल्कुल भूल जाना, क्या, कि ये घर मेरा है। यही कहना ठाकुर जी अब ये घर आपका है और हम भी आपके हैं, अब आप हमारे घर की रक्षा करो, पालन पोषण करो, हम तो आपकी बस सेवा करने के लिए हैं। अब वो बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के समान खूब सेवा में लगी रहती थी, सारा दिन कभी स्नान कराए, कभी श्रृंगार करे, कभी भोग लगाए। अब क्या हुआ, उसने अपने बेटे का विवाह किया, सुंदर सी बहुरानी भी आ गई, लेकिन बहुरानी बहुत सीधी थी, जितना कहते थे उतना ही काम करती थी। देखो यहां पर बहुरानी भी बैठी और सासू जी भी बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुनना कि सासू जी अगर कथा सुन के घर जाएं, सासू जी अगर कथा सुन के घर जाएं तो घर परिवार में इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि परिवार वालों को लगे कि सासू जी गंगा स्नान करके आई हैं। क्या करके आई हैं, गंगा स्नान करके आई हैं, क्योंकि भागवत कथा रूपी भी गंगा सागर से कम नहीं है, ध्यान देना। जब तुम कथा सुन के घर जाओ और जब सब में प्रेम करोगे, कथा की चर्चा करोगे तो लगेगा कि हां ये गंगा स्नान करके आई है, और कथा सुन के भी घर जाकर अगर क्लेश करेंगे या कोई चिक चिक करेंगे तो घर वाले क्या कहेंगे, अरे माता जी, अरे सासू जी, क्या कथा में भी यही सिखाते हैं, उसे कथा की भी बदनामी होती है। अब बहुरानी भी ध्यान से सुनना, हां जी बहुरानी भी ध्यान से सुनना, जब बहुरानी कथा सुन के घर जाए, वो दीदी इशारा करिए अब तेरी बारी है, अब बहुरानी कथा सुन के घर जाए तो परिवार में इतना प्रेम करें, खासकर सासू जी के इतने सेवा करें, इतनी सेवा करें, क्योंकि सारा दिन उन्हीं दोनों को रहना है, सासू जी की इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें कि सासू जी को कहना पड़े, क्या बहू आई लव यू, क्योंकि प्यारे ये भागवत कथा प्रेम का शास्त्र है, ये जिस घर में प्रेम रहता है उस घर में भगवान रहते हैं।
जरूरी नहीं तुम्हारे घर में 5 लाख की डाइनिंग टेबल हो तो तुम धनी हो। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं, 5 लाख की डाइनिंग टेबल है लेकिन बैठकर खाने वाला कोई नहीं है। ऐसी 5 लाख की डाइनिंग टेबल का क्या फायदा? अरे एक चटाई हो और पूरा परिवार बैठ के हंसते खेलते खाए तो प्यारे उससे बड़ा धनवान परिवार कोई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा धन है प्रेम। जिस घर में बड़े बूढ़ों को सेवा की जाती है, उनका आदर सम्मान किया जाता है, आजकल आप देख रहे हो बड़े बूढ़ों की कितनी दुर्गति हो रही है। सारी जिंदगी बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, आज वही बच्चे बड़े होके कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो सच्चाई तो यही है कि इतना भी धन इकट्ठा मत करो कि तुम्हारे बीमार होने पर, हां जी, इतना भी धन इकट्ठा मत करो कि तुम्हारे बीमार होने पर तुम्हारे बच्चे डॉक्टर को कम और वकील को ज्यादा याद करें। समझ रहे हो मेरी बात? डॉक्टर को कम याद करते हैं, वकीलों को ज्यादा करते हैं, क्योंकि हिस्से बांटने हैं। ये भी 2 दिन के, 4 दिन के, हफ्ते के मेहमान है, उसके बाद झगड़ा हो तो जीते जी साइन करवा लो, नहीं बाद में कौन रफड़े में पड़ेगा, कौन कोर्ट जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, ये कड़वा सत्य है। इसलिए प्यारे धन उतना ही रखो जितने में तुम सामत अनुसार सेवा कर सको, वही तुम्हारे साथ जाएगा। वरना प्यारे आजकल का इंसान सिर्फ इंतजार करता है। जैसे महाभारत में माता पिता के होते हुए आपस में बच्चे लड़ रहे थे ना, आज भी वही हाल है कि तुमने उसे दुकान दे दी, उसे मकान ज्यादा दे दिया, इसे ये कर दिया, उसे वो कर दिया, और उसके कारण प्यारे आजकल बूढ़े माता पिताओं की कदर नहीं हो रही। और ये कड़वी सच्चाई है। जो माता पिता जीते जी अपने बच्चों को भरपूर देते हैं, बुढ़ापे में अंत समय में उसका क्या हाल होता है, कितना प्रेम करते हैं बच्चे। अभी बता देते हैं आपको कि जब बूढ़े माता पिता की मृत्यु होती है क्या होता है, जो बूढ़े माता पिता के पुराने कपड़े होते हैं वो उन्हीं के साथ गंगा में अस्थियों के साथ बहा दिए जाते हैं। जो पुराने बिस्तर होते हैं वो भी बहा दिए जाते हैं, और जो उनके नाम मकान के कागज होते हैं, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जो उनके पास टूम होती है, टूम भी बहा देते हैं। टूम समझते हो? तो ध्यान देना सज्जनों, ये संसार कैसा है? ये संसार सिर्फ स्वार्थ का है। जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, झूठा स्वार्थ दिखाएंगे। जब तक तुम्हारे पास धन दौलत है, कोई दादी कह के चिपटेगा, कोई चाची कह के चिपटेगा, कोई मां कह के चिपटेगा। और जब शरीर से प्राण निकल गए तो प्यारे एक घंटा भी साथ नहीं रखेंगे, कहेंगे जल्दी जल्दी ले जाओ। इसलिए प्यारे इस संसार से उतना ही मन बनाओ जिससे तुम्हारी जीवन चलता रहे। जरूर से ज्यादा मन लगा दिया, ज्यादा उम्मीदें कर ली, तो सिवाय दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद करनी है तो प्यारे मेरे गोविंद से करो कि हे गोविंद, मुझे पता है तू उस समय साथ देता है जिस समय कोई साथ नहीं देता। एक तू ही ऐसा सहारा है जो हर पल मेरा साथ है, इससे रिश्ता बनाओ। तो समझ लें तुम्हारी भक्ति सार्थक हो जाएगी जब तुम मन से इसे अपना बनाओगे। अब वो बूढ़ी मैया, जब उसके बहू आई और इतनी सीधी थी कि जितना कहते थे उतना ही काम करती थी, कह रही थी मैं सारे काम तो बहू से करवा लूंगी लेकिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं खुद ही करूंगी। अब समय बीतता गया, कुछ समय बाद उस बूढ़ी मैया को दूर किसी शादी में बुलावा आ गया। हफ्ते 10 दिन के लिए जाना था। अब बूढ़ी मैया ने सोचा
कि हफ्ते 10 दिन के लिए लड्डू गोपाल जी की ना जाने कैसी सेवा होगी, एक काम करती हूँ, अपनी बहुरानी से कहती हूँ तू 10 दिन के लिए मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर दे। बड़े प्रेम से बहुरानी को बुलाती है, अरे बहुरानी, हां सासू जी, देख मैंने आज तक तुझे कभी परेशान नहीं किया, अब मुझे किसी शादी में जाना है और 8-10 दिन के लिए जाना है, तो तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। बोले क्या? मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर दे। अब बहू रानी कहती है, अरे सासू जी मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा करी नहीं। बोले मैं बताती हूं ना, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा कर लेना। अब जिसके पास लड्डू गोपाल है बड़े ध्यान से सुनना कि सेवा कैसे की जाती है। सासू जी कहने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल सुबह सुबह उनको स्नान कराना। ठीक है सासू जी स्नान। बोले ऐसे वैसा स्नान नहीं। बोले कैसा? कि आजकल लोग कैसा स्नान कराते हैं, जूना लेते हैं, देखते हैं ना पड़ोसन का लड्डू गोपाल चमक रहा है तो जूने से उसको घिसना चालू कर देते हैं कि मेरा लड्डू गोपाल भी चमक जाए। कभी भी जूने से कभी मत रगड़ना क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल बहुत कोमल हैं। अरे अगर तुम्हारा बच्चा सांवला है और पड़ोसन का बच्चा गोरा है तो क्या करोगे? दो ही रूप है, या सांवला या गोरा, उसके चक्कर में क्या घिसना चालू कर दोगे? इसीलिए प्यारे मेरे ठाकुर को बड़े कोमल हाथों से प्रेम से स्नान कराया करो। ठीक है बहुरानी, इसे साफ कपड़े से पहुंच के इसे सुंदर वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो और काला टीका भी लगाना क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है सासू जी। और बोले फिर प्रसाद बनाना और भोग लगाने से पहले एक काम जरूर करना। बोले क्या? बोले इन्हें आईना दिखाना। आईना समझते हो ना, लड्डू गोपाल को आईना दिखाना और आईने में अगर ये मुस्कुरा दें तो इन्हें भी भोग लगा लेना और खुद भी खा लेना। बहुरानी कहती ठीक है सासू जी। इतना कहकर सासू जी तो चली गई विवाह में और लड्डू गोपाल जी दे गई बहुरानी को। अब अगली सुबह हुई, सुबह सुबह बहू ने स्नान करके लड्डू गोपाल जी को प्रेम से स्नान कराया जैसा सासू जी ने कहा था, कोमल हाथों से बड़े प्रेम से स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, भोग बनाया, लेकिन उसे याद आ गया कि भोग लगाने से पहले क्या करना है, आईना दिखाना है और आईने में अगर मुस्कुरा दें तो इन्हें भी भोग लगा देना और खुद भी पा लेना। अब जैसे ही बहुरानी ने ठाकुर जी को आईना दिखाया, अब जैसे लड्डू गोपाल थे वैसे दिखेंगे, मुस्कुराए नहीं। अब बहुरानी इतनी सीधी थी परेशान हो गई कि सासू जी ने तो कहा था कि लड्डू गोपाल मुस्कुराएंगे, अब सोचने लगी शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, स्नान कराने में कोई कमी रह गई होगी। सारे वस्त्र उतार दिए, सारा श्रृंगार उतार दिया, दोबारा स्नान कराया, दोबारा वस्त्र पहनाए, दोबारा तिलक लगा के जैसे ही शीशा दिखाया फिर ठाकुर जी वैसे के वैसे ही। ओहो हो, कहीं ना कहीं फिर गलती हो गई, फिर सारे कपड़े वस्त्र उतार दिए। ऐसे करते करते सुबह 5 बजे से लेकर 12 बज गए। बार बार वस्त्र उतारे, बार बार श्रृंगार करे, बार बार स्नान करे, ठाकुर जी वैसे के वैसे ही। अब तक तो बहुरानी मुस्कुराती भी कर रही थी लेकिन जब 12 बज गए तो भूख तो लग रही थी। और सासू जी ने कहा है जब तक इनको भोग ना लगे खुद भी मत पाना। अब तो धीरे धीरे बहुरानी को क्रोध भी आने लगा। बोले कन्हैया जी मुस्कुरा दो, मुझे भूख लग रही है। लेकिन कन्हैया भी जिद्दी थे। 12 से 2 बज गए, 4 बज गए, शाम को 6 बज गए। सैकड़ों बार बहुरानी ने निलाया, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, लेकिन जैसे ही आईना दिखाएं वैसे के वैसे। अब तो बहुरानी की गुस्से की चरम सीमा भी
टूटती जा रही थी, लेकिन जिद्दी पक्की कि जब तक मुस्कुराएंगे नहीं ना मैं खाऊंगी ना खाने दूंगी। अब प्यारे रात को 9 बज गए, 10 बज गए, लगी रही बहुरानी, और कहते हैं भक्त के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। जैसे 10:30 बजे रात के बहुरानी ने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा स्नान कराया, रगड़ रगड़ के वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, और प्यारे जैसे ही आईना दिखाया, ठाकुर जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। अब जैसे ही मुस्कुराए, अब बहुरानी को भी तसल्ली हो गई कि हां ठीक है, अब मेरी पूजा ठाकुर ने स्वीकार करी। प्रेम से उन्हें भोग लगाया, और प्यारे जो सुबह का भोजन था प्यारे वो रात को खुद भी पाया। अब जैसे ही अगला दिन हुआ, वही सुबह 5:30 बजे बहुरानी ने स्नान किया और ठाकुर जी की मूर्ति को उठाया, प्रेम से स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, जैसे ही भोग बनाया और शीशा दिखाया, ठाकुर जी पहली बार में जोर जोर से मुस्कुराने लगे। बोले ये तो बहु पागल है, सैकड़ों बार निराया, सैकड़ों बार श्रृंगार किया, अब नहीं मुस्कुराऊंगा तो आज फिर कई बार निलाएगी। पहली बार में ही मुस्कुरा दिए, बहुरानी कहती अब सीधे हो गए, अब सीधे हो गए, सुधर गए। अब तो प्यारे धीरे 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 लड्डू गोपाल जी और बहुरानी ने में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। कहते हैं जब मन लगने लग जाता है ना तो समय का पता नहीं लगता। अब तो एक दिन बीता, दो दिन बीता, अब तो बहुरानी और लड्डू गोपाल जी में इतना प्रेम हो गया, जहां जहां बहुरानी जाती लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अपने आप घूमने चालू कर देती। ठाकुर जी लड्डू ठाकुर जी बहुरानी को देखकर मुस्कुराते और बहुरानी ठाकुर जी को देखकर मुस्कुराती। देखो इतना प्रेम बढ़ गया। जैसे दिन बीते, 7-8 दिन हुए, अब तो इतना प्रेम बढ़ गया, जहां जहां बहुरानी जाती लड्डू गोपाल जी की मूर्ति टक 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 पीछे पीछे बहुरानी के पास आ जाती। अब तो बहुरानी बातें करने लगी, 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं लगा। जैसे 10वां दिन हुआ, सासू जी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, अरे सासू जी। सासू जी ने एक ही बात पूछी, मेरे लड्डू गोपाल कैसे हैं, क्या तूने मेरे लड्डू गोपाल की ठीक से सेवा करी या नहीं करी। बहुरानी कहती है अपने लड्डू गोपाल से ही पूछ लो। अब सासू जी को पता था कि बहुरानी बहुत भोली है, सीधी है। गई, ठाकुर जी के सारे वस्त्र उतारे, प्रेम से स्नान कराया, श्रृंगार कराया, वस्त्र पहनाए, तिलक लगाया, और जैसे ही सासू जी ने भोग बना के आईना दिखाया, लड्डू गोपाल जी उदास। अब तो सासू जी हैरान, हे ठाकुर जी मेरी बहुरानी से कोई गलती हो गई तो क्षमा करना, वो तो अनजान है, उसे कुछ नहीं आता। इतना कहते ही प्यारे लड्डू गोपाल जी में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले नहीं मैया, बहुरानी को कुछ मत कहना, बहुरानी ने खूब अच्छी सेवा करी। बोले तो मुस्कुराए क्यों नहीं। बोले मुस्कुराया मैं इसलिए नहीं, सारी सेवा तुम करना, लेकिन स्नान तो मैं तुम्हारी बहू के हाथ से ही करूंगा। तो सजनों कहने का भाव क्या है कि अगर तुम्हारे अंदर भाव है तो भगवान मूर्ति में से भी प्रकट हो सकते हैं, भगवान की मूर्ति भी बोल सकती है। आपने ये अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा कि जब आप कभी अपने लड्डू गोपाल जी को या ठाकुर जी को कपड़े पहनाते हो ना, जब उनके मन के कपड़े होते हैं तो जल्दी पहन लेते हैं, और जब उनके मन के नहीं होते ना, कभी तो टोपी गिरा देंगे, कभी टाइट कर लेंगे, कभी आएगी नहीं। ये क्या है, ये उनके भाव है जो बताते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, दूसरे कपड़े पहनाओ। उनका भी मन होता है प्यारे, जैसे आपका मन है आज मुझे ये पहनना है, आज मुझे वो पहनना है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। जो प्रेम से भाव से मेरे ठाकुर को याद करता है, मेरा ठाकुर उसके पास जरूर आता है, चाहे किसी रूप में आए। क्या
है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। इसीलिए प्यारे आप अपनी भक्ति हमेशा दृढ़ रखें, और जो भी रिश्ता बनाए मेरे ठाकुर से मन से बनाए, दिखावे का नहीं कि अगर बेटा बनाया है तो बेटा है, अगर तुम्हारे तीन बच्चे हैं तो गर्व से कहो कि मेरे चार बच्चे हैं, एक इसका भी नाम रख लो। कईयों ने तो बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं, और कई कई तो इसका जन्मदिन भी मनाते हैं। और जब तुम्हारी भक्ति सार्थक हो जाती है, भाष्य भक्ति का मतलब समझ में आ गया, अब किसकी बारी है? ग से ज्ञान की। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब यह नहीं कि तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे मंत्र आते हैं, बिल्कुल नहीं। तुमने पीएचडी कर रखी है, हम बहुत विद्वान हैं, वो भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिसमें ज्ञान ज्यादा आता है ना उसमें अभिमान आ जाता है। कथा भी सुनो तो अज्ञानी बन के सुनना। कई कहते हैं महाराज हमने 10 कथाएं सुन ली, हमने 20 कथाएं, हमने 50 कथाएं सुन ली, हमें तो बहुत ज्ञान है, लेकिन हमारी नजर में उसने एक भी कथा नहीं सुनी जो कहते हैं हमने 10 कथाएं 20 कथाएं 50 कथाएं सुनी है। क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है, जो कथा से प्रेम करता है, कभी कथा की गिनती नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, आपने बचपन से अब तक कितनी बार भोजन किया, क्या कभी गिनती करी? कितनी बार पानी पिया, क्या कभी गिनती करी? क्यों गिनती नहीं करी? बोले महाराज जब जब भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, और जब जब प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। तो ये तो है शरीर की आवश्यकता, लेकिन शरीर के अंदर भी एक है जिससे तुम चल रहे हो, और वो है आत्मा। उस आत्मा की भी तृप्ति चाहिए। आत्मा को किससे मिलना है? परमात्मा से मिलना है। प्यारे मरने के बाद तो आत्मा परमात्मा के पास जाएगी ही, क्यों ना जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लो सत्संग की ज्ञान गंगा में, भागवत कथा की ज्ञान गंगा में। और जो अपने मन से अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देता है कथा के द्वारा, तो समझ लो उसे सच्चा ज्ञान मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं जब भी कथा में आओ अज्ञानी बन के आना। जो अज्ञानी बन के बैठेगा उसे हर कथा में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और जो विद्वान बन के बैठेगा सिवाय कमियां निकालने के कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भागवत कथा ऐसी यात्रा है जो तुम्हें परमात्मा से मिलाती है। तो कौन कौन इस यात्रा में भाग लेना चाहता है, सम्मिलित होना चाहता है? क्यों? क्योंकि ये जो व्यासपीठ है ना, ये रेलगाड़ी का वो इंजन है जो आप सबको ले जाती है 7 दिन के अंदर। तो जो जाना चाहते हैं ना, आपने रेलगाड़ी तो देखी होगी ना, रेलगाड़ी में 3 तरह की डब्बे होते हैं, एक जनरल क्लास, एक स्लीपर क्लास और एक फर्स्ट क्लास, और तीनों की टिकट भी होती है। अब जनरल क्लास की कौन सी टिकट है? जो कथा तो कथा में तो बैठता है, बीच बीच में कीर्तन भी होता है, और कीर्तन में भी जो मुंह फुला के बैठा रहता है ना, वो जनरल क्लास की टिकट में जाता है, जिसमें वो लटक लटक के जाया जाता है। और कीर्तन में जो बैठ के ताली बजाता है वो स्लीपर क्लास में जाता है। उसे बैठने को जगह तो मिलती है लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलता। और एक होती है स्लीपर फर्स्ट क्लास, जिसमें खाने को, पीने को, सोने को, और साथ में एयर कंडीशन भी मिलता है, वो सबसे बढ़िया होती है।
और वो भागवत कथा में किसको मिलती है? जो खड़े होकर हाजिर लगाते हैं। अभी आप ये बताओ कि कौन सी क्लास ज्यादा बढ़िया है? फर्स्ट क्लास। कौन कौन जाना चाहता है फर्स्ट क्लास में? तो प्यारे बिल्कुल ठाकुर जी से नजरे मिलाकर अपने मन के आनंद के तारों को मेरे ठाकुर से जोड़ लेना, और जो ठाकुर के आगे नाच के हाजिर लगाता है ना, दुनिया उसे नचा नहीं सकती, ध्यान देना। तो जो मेरे ठाकुर से प्रेम करता है अपने स्थान पे खड़ा हो जाए, आगे आ जाए, और जो पड़ोसी से प्रेम करता है वो बैठा रहे, और यही कहेंगे वृंदावन में गाड़ी चाली चालर जिसने चालना, वृंदावन है गाड़ी चाली चालर जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चाली चालर जिसने चालना, वृंदावन है गाड़ी चाली चालर जिसने चालना, हिम्मत कहिए पाछे रे गए, 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 हमने बीता चाले वृंदावन में गाड़ी चाली चालर जिसने चालना, वृंदावन ने गाड़ी चाली चालर जिसने चालना, हरी बोल। गाड़ी में वो चाले जिस कान्हा जी से प्यार हो, गाड़ी में वो चाले जिस कान्हा जी से प्यार हो, गाड़ी में वो चाले जिस कान्हा जी से प्यार हो, गाड़ी में वो चाले जिस कान्हा जी से प्यार हो। किस किस को मेरे कान्हा जी से प्रेम है? देखो जो बैठे लगे ना, उसको तो लगता है पड़ोसन से प्रेम है। थोड़ी सी आगे आ जाओ, पता लगना चाहिए। ठाकुर जी से शर्माने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे ससुर जी नहीं है, चिंता मत करो। इस गाड़ी में वो चाले जिस कान्हा जी से प्यार हो, इस गाड़ी में वो चाले जिस कान्हा जी से प्यार हो, 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 चालन को भी रावण में गाड़ी चाले चालर जिसने चालना, रावण में गाड़ी चाले चालर जिसने चालना, हिम्मत गई है पाछे रे गए, 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 हमने भी का चालना, रावण में गाड़ी चाले चालर जिसने चालना, रावण में गाड़ी चाले चालर जिसने चालना, हाय बातें बताऊं कितना से वृंदावन में आए हैं।
ये चार चौपाल मत समझना, ये सोच रहे कि हम वृंदावन में आए हैं और कहते जो आप नाच रहे हो ना ठाकुर के आगे, ये जो धूल भी उड़ती है ये भी तिलक बन जाती है, तो यही कहेंगे वृंदावन में उड़ रही धूल धूल बह प्यारी लगे बड़ी प्यारी लगे, वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, प्यारी लगे 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 मोहे प्यारी लगे, वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे, बजाओ 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 राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली, ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है, आते जाते हैं पागल आते जाते हैं,
मेरे ठाकुर के नाम का पागल है, ध्यान हाथ भरेंगे। देखो पागल का मतलब मेंटल नहीं होता, पागल का मतलब होता है जो प्रभु को पाके गल जाए। जैसे पानी में चीनी गल जाती है, फिर न पानी रहता न चीनी रहती, शरबत बन जाती है। ऐसे ही जब तुम भगवान के नाम में भक्ति में इतने पागल हो जाते हो तो दुनिया कहती है कि हाँ ये पागल है। भगवान ऐसे पागल में गिनती बनाए रखना, क्योंकि समझदार होने में कोई फायदा नहीं। जो मेरे ठाकुर के नाम का पागल है हाथ उठाएंगे, कहेंगे ये सारा पागल है, ये सारा पागल खाना है। यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं, अपना अपना कह करके, अपना अपना कह करके सब पागल बन जाते हैं। धन दौलत का कोई पागल है, धन दौलत का कोई झूठी रिश्तेदारी का, कोई झूठी रिश्तेदारी का सच्चा पागल है वो है यहाँ, सच्चा पागल है वो है यहाँ। जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का, आज के आनंद की जय हो। सभी अपने स्थान पे बैठे हैं। जय जय श्री राधे। अब लग रहा है कि सब फर्स्ट क्लास एसी के डिब्बे में जाने वाले हैं। हाँ जी बैठ जाएंगे। तो प्यारे प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से कथा में विघ्न होता है। देखो जब बोलने की बारी है तो खूब उच्चारण करो, प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जब सुनने की बारी आए तो थोड़ा सा शांत रहो, क्योंकि कथा चलते समय जब बोला जाता है ना तो विश्वास मानो वो पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि आप तो कथा से हट गए और बातों में लग गए, लेकिन आपके साथ में जो प्रेम से कथा सुन रहे हैं उन्हें भी विघ्न होता है। अब प्यारे कि श्रीमद् भागवत कथा जिसमें केवल एक ही ज्ञान होना चाहिए जिसे परमात्मा मिल जाए, वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान है गोपियों के अंदर जिनकी उंगली के इशारे पर कन्हैया नाचते थे। क्या गोपियों को मंत्र आते थे? क्या गोपियों ने पीएचडी कर रखी थी? क्या गोपियों ने शास्त्री सीख रखी थी? बिल्कुल नहीं, वो तो भोली भाली थी गोपियां। फिर ऐसा कौन सा ज्ञान था? ये बच्चों को, ऐसा कौन सा ज्ञान था गोपियों को जिसे उद्धव जैसे ज्ञानी भी ज्ञान का पाठ पढ़ाने गए, 27 दिन तक गोपियों के बीच में रहे, लेकिन क्या ज्ञान दे पाए? बल्कि उन गोपियों ने उद्धव जी को ही ज्ञान दे दिया। ऐसा कौन सा ज्ञान था? अगर आप चाहते हो कि जैसे गोपियों की उंगली के इशारे पर कन्हैया नाचते हैं ऐसे हमारी उंगली के इशारे पर भी नाचें, तो वो ज्ञान तुम्हें भी लेना पड़ेगा। कौन कौन लेना चाहता है वो ज्ञान? चाहते हो ना कन्हैया हमारी बात माने? कौन कौन चाहता है? तो वो ज्ञान तुम्हें लेना पड़ेगा। वो ज्ञान कौन सा है बोलो? कन्हैया
थोड़ा और धीरे बोलो, बोलो कन्हैया हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे और तुम तो सिर्फ इतना ज्ञान। गोपियों को यह विश्वास था कि कन्हैया हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। इसी विश्वास के साथ कन्हैया उनका हर बात मानते थे कि पूर्ण विश्वास था। लेकिन आज कन्हैया क्यों नहीं आते? आज आप देख रहे हो, सुन रहे हो, जगह जगह कन्याएं और महिलाओं का कितना बुरा हाल हो रहा है, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो। दिल्ली में तो और बुरा हाल है, ध्यान देना, वहां ना कन्याएं बाहर सुरक्षित हैं ना घरों में सुरक्षित हैं। क्योंकि विश्वास अधूरा है। इसलिए अगर आप चाहते हो कन्हैया हमारे साथ दें तो तुम्हें भी कन्हैया को मन से अपनाना बनाना पड़ेगा। और जब तुम कन्हैया को मन से अपना बनाओगे तो प्यारे संसार के प्रति तुम्हारे अंदर वैराग्य जाग उठेगा कि कन्हैया के अलावा हमारा सच में कोई नहीं है। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। जिसका जितना ज्यादा स्वार्थ होता है वो उतना प्रेम करता है। जहां स्वार्थ खत्म, तू कौन और मैं कौन। और इसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। के प्यारे, जब भोले बाबा और पार्वती जी एक स्थान पर बैठकर प्रेम भरती वार्तालाप कर रहे थे, तभी श्री हरि ने श्री सुखदेव भगवान के आगमन के लिए एक लीला रची और ये कार्य नारद जी के सपुर्द किया कि नारद जी आप कोई ऐसा कार्य करो जिसे श्री सुखदेव भगवान जी का आगमन हो जाए। अब नारद जी को तो एक ही काम आता है, क्या? जिस घर में जाएं, कहते ना जो इधर की उधर करते हैं, कहते तू तो पूरी नारद मुनि का कार्य कर। बोले ठीक है प्रभु, मैं अपनी लीला करता हूं। अब जैसे ही नारद जी भोले बाबा के स्थान पर जाने लगे, वहां बड़ी प्रेम से वार्तालाप हो रही थी। जैसे नारद जी का आगमन हुआ, भोले बाबा को कोई काम याद आया। रस्ते में नारद जी जैसे ही मिले भोले बाबा से, बोले नारद जी कहां जा रहे हो? बोले मैं पार्वती मैया से मिलने जा रहा हूं। अब भोले बाबा समझ गए नारद जी का आगमन हो गया, लगता है रात का भोजन भी नहीं मिलेगा। अब जैसे ही नारद जी पार्वती मैया के स्थान पे पहुंचे, पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न थी। अब नारद जी सोचने लगे कैसे कलह करवाऊं, कैसे कलेश करवाऊं। कहने लगे मैया आज तो आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं, क्या बात है? बोले मैं क्यों प्रसन्न ना हूं, तीनों लोकों के नाथ, त्रिलोकी नाथ, भूत भावन भूतेश्वर मेरे पति देव हैं, जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्या बताऊं। नारद जी ने कहा अरे मैया वो आपसे कोई प्रेम वेम नहीं करते। अरे नारद ये क्या कह रहे हो, वो मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम्हें कैसे पता? बोले जिनसे प्रेम किया जाता है उन्हें सब कुछ बताया जाता है, कुछ छुपाया नहीं जाता। क्या छुपाया? बोले मैया जाने दो, बाद में बताएंगे। कहते हैं अधूरी बात हमेशा कलेश का कारण होती है, या तो बात छेड़ो मत और छेड़ो तो पूरी बात बताओ। बोले तो मैया सुनो, ये भोले बाबा ने जो अपने गले में नर मुंडों की माला पहनी है, क्या तुम्हें बताया किसकी है? पार्वती मैया कहने लगी अरे नारद जी मुझे पता है, मुझे सब कुछ बताया है, ये नर मुंडों की माला और किसी की नहीं, ये मेरी ही है। जब जब मेरी मृत्यु होती है मेरा मुंड
अपनी माला में जोड़ लेते हैं, देखो कितना प्रेम करते हैं, कभी अपने से अलग नहीं करते। अब नारद जी ने सोचा ये युक्ति तो फेल हो गई, बोले मैया यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते। बोले अब क्या हुआ? बोले एक बात बताओ, आपका हर बार जन्म होता है, हर बार मृत्यु होती है। बोले हां। बोले भोले बाबा की कभी मृत्यु हुई? वो तो अमर बने हुए हैं, अगर तुमसे प्रेम करते रहे तो तुम्हें भी अमर बना देते, क्यों जन्म मृत्यु के चक्कर में लगा रखा है। इतना सुनते ही पार्वती मैया तो क्रोध में आ गई। नारद जी ने कहा मेरा काम हो गया। अब नारद जी तो जाने लगे, भोले बाबा मिल गए। बोले नारद जी कहां से आ रहे? बोले मैया के यहां से आ रहा हूं। अब भोले बाबा समझ गए, इन्होंने अपना कार्य कर दिया। जैसे ही भोले बाबा पार्वती मैया के पास पहुंचे तो क्या देखा, हंसते खेलते छोड़ के आए थे, क्रोध में मैया थी। क्या हुआ पार्वती? बोले आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले किसने कहा? किसने कहा? नारद जी ने। क्या कहा? बोले मुझे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में लगा रखा है और खुद अमर बने बैठे हो, अगर वास्तव में तुम मुझसे प्रेम करते हो जैसे खुद अमर बने बैठे हो, मुझे भी अमर बना दो। जिद करने लगी। अब कहते हैं त्रिया हट के आगे तो भोले बाबा भी झुक जाते हैं। अच्छा पार्वती तुम्हें अमर होना है? बोले हां। तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी? बोले बिल्कुल मानूंगी। तुम्हें एकांत स्थान पर चलना पड़ेगा? बोले बिल्कुल चलूंगी। तुम्हें अमर कथा सुननी पड़ेगी? बोले बिल्कुल सुनूंगी। जहां तुम्हारे और मेरे सिवा कोई और नहीं होगा? बोले बिल्कुल सही। अब भोले बाबा पार्वती मैया को एकांत स्थान पे ले गए और ये अमर कथा सुनाने लगे, और ये अमर कथा कोई और नहीं, ये श्रीमद् भागवत कथा ही थी। और कहने लगे देखो पार्वती, मैं कथा आरंभ करने जा रहा हूं, ये कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है, ये अमर कथा है जिसे हर कोई नहीं सुन सकता, और तुम्हें सुना रहा हूं तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना है, बीच बीच में हुंकारे भरती रहना जिससे मुझे पता लगे कि तुम कथा सुन रहे हो। अब देखो मैं तुम्हें कथा सुनाऊं और तुम्हारा ध्यान कहीं और हो तो क्या कथा सुनाने में मन लगेगा? अब तुम बार बार जो राधे नाम का उच्चारण करते हो, बीच बीच में कीर्तन में नाचते गाते हो, तो कहते हैं जैसा श्रोता में रस होता है वक्ता में रस अपने आप आ जाता है। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, आपको अपने भाई की बेटे की भाषा समझ में तो आ रही है? किस किस को आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात, वरना में अंग्रेजी भी आती है। ध्यान देना सज्जनों, जैसे ही भोले बाबा ने कथा सुनानी आरंभ करी, कुछ समय तक तो पार्वती जी हुंकारे भरती रही। देखो कई तरह के भक्त आते हैं ना कथा सुनने के लिए। एक बार हम कथा सुना रहे थे, एक भक्त सबसे पीछे आके रोज बैठता था। यहां हम कथा सुनाते थे, उसका सोना चालू हो जाता था। कथा चालू रहती थी, उसका सोना चालू रहता था। जैसे ही कथा समाप्त हुई उसकी नींद खुली, चार चार दोने प्रसाद के लिए और चला गया। अब छह दिन तक तो हम देखते रहे, भैया ये कौन सी कथा सुन रहा है, आके सोता है हमेशा। जब सातवें दिन हमसे रहा नहीं गया, हमने पूछ ही लिया, भैया कथा में आनंद आ रहा है? बोले हां महाराज खूब आनंद आ रहा है। ये कैसा आनंद? हम तो देखते हैं कि तुम कथा में आते ही सो जाते हो। बोले क्या करूं महाराज, घर में धर्म पत्नी सोने नहीं देती, चिक चिक करती रहती है, ये लेके आओ वो लेके आओ, ये काम करो वो काम करो, कम से कम कथा में आके सोने को तो मिल जाता है, और उससे ज्यादा आनंद सोने के बाद में चार चार दोने प्रसाद भी मिलता है। हमने उससे पूछा भैया यही आनंद है या कुछ कथा में समझ में भी आया? बोले महाराज समझ में भी आया। बोले क्या? बोले जब भी नींद खुलती थी दो नाम सुनाई देते थे, एक राम जी का और एक रावण का।
लेकिन समझ में नहीं आया कि कौन पापी था, राम पापी था या रावण पापी था। तब हमने कहा ना राम पापी था ना रावण पापी था, मैं पापी था जो तुझे कथा सुना रहा था। तो सज्जनों कहने का भाव कि कथा में आओ तो अपना मन अपना ध्यान और अपने नेत्र कथा में ही लगा दो, तब तो कथा सुनने का फायदा है। अब प्यारे भोले बाबा ने कथा सुनानी आरंभ करी। कुछ समय तक तो पार्वती जी खूब हुंकारे भरती रही, लेकिन जैसे भोले बाबा महाराज पे पहुंचे कथा में, अब पार्वती मैया तो धीरे धीरे, देखो जिसको कथा में उबासी आए, जिसको कथा में निंद्रा आए, जिसका कथा से ध्यान भटके, जो कथा में आपस में बातें करती हैं उनमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि उनके सिर पे पाप होते हैं जो उन्हें कथा में विघ्न डालते हैं। अब जैसे हमने ये बात बताई तो एक बूढ़ी मैया कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, आप कहते हो कि जिसको कथा में उबासी आए नींद आए जिसका ध्यान भटके, इसका मतलब उसके सिर पे पाप है जो कथा सुनने में विघ्न डालते हैं, तो पार्वती जी ने कौन सा पाप कर दिया जिससे उनको कथा में नींद आए। तब हमने कहा कि माता जी उनसे एक पाप नहीं अनेक पाप हुए हैं जिससे वो अमर कथा सुन नहीं पाई। कैसे पाप हुए? जब वो सती के रूप में थी, सती कहते हैं शंका को, बड़े ध्यान से सुनना, और पार्वती कहते हैं भक्ति को, गणेश जी कहते हैं ज्ञान को, और शिव कहते हैं परमात्मा। अगर परमात्मा को पाना है तो प्यारे कभी शंका मत करना, हमेशा पार्वती की तरह भक्ति में लगे रहना, और सरल रूप में रहना तो ज्ञान भी मिलेगा, और जितना सरल रहोगे शिव रूपी परमात्मा भी तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अब सती को हमेशा शंका में रहती थी, भोले बाबा आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठे हैं। अब सती कहने लगी, तीनों लोकों के नाथ जिसका सभी देवी देवता ध्यान करते हैं, आज ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ये शंका हुई, पहला पाप हुआ कि शंका करी। कहने लगी, हे बाबा आपका तो सब ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? भोले बाबा कहने लगे, मैं अपने इष्ट का ध्यान कर रहा हूं, अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। सती कहने लगी, आपका भी कोई इष्ट है, आपसे भी कोई बड़ा है? बोले हां। बोले कौन? बोले इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, बोले मेरे इष्ट हैं श्री हरि। कहां हैं? उस समय त्रेता युग चल रहा था। जैसे ही सती ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, क्या देखा? उस समय श्री हरि लीला रच रहे थे त्रेता युग की, जिसमें रावण सती का हरण करके ले गए, और प्यारे वो साधारण मानव की तरह श्री राम जी अपनी धर्मपत्नी को वन वन ढूंढ रहे थे। तब सती ने सोचा, ये कौन से भगवान हैं जो साधारण मानव की तरह धर्मपत्नी को ढूंढ रहे हैं, वानरों की सहायता ले रहे हैं, अगर भगवान होते तो स्वयं लंका में जाते और सीता को ले आते। ये दूसरा पाप कि उनकी लीलाओं पे शंका करी। भोले बाबा समझा रहे हैं कि अरे सती मेरे श्री हरि की लीलाओं पे शंका मत करो। और तीसरा पाप क्या किया? बोले बाबा मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूं, मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूं। अब भोले बाबा कितना समझा रहे हैं लेकिन नहीं मानी। वो कहते हैं ना, कल्याण ना होए वाए नारी का जो पति की बात ना माने। अब प्यारे सती चली गई,
प्रभु की परीक्षा लेने के लिए। क्या किया, जिस वन में प्रभु श्री राम सीता जी को वन ढूंढ रहे थे, उसी वन में सती सीता का रूप लेकर उनके सामने जाने लगी। सती ने सोचा कि अगर ये साधारण मानव होंगे, इंसान होंगे, तो मुझे सीता समझ लेंगे, और अगर साक्षात नारायण हुए तो मुझे सती के रूप में देख लेंगे। ये तीसरा पाप हुआ जब श्री हरि की परीक्षा लेने पहुंचे। जैसे ही वन में श्री राम जी धर्मपत्नी को ढूंढ रहे थे, तभी सामने से सती माता सीता माता का रूप लेकर आ गई। सामने सीता का रूप देखा, श्री राम जी ने हाथ जोड़ लिए कि मैया आप इस घने वन में क्या कर रही हो, भोले बाबा कहां है, भोले बाबा कहां है। इतना सुनते ही प्यारे सती लज्जित हो गई कि मैंने क्या कर दिया। श्री हरि की लीलाओं पर शंका करी, श्री हरि की स्वयं परीक्षा ली, जिसके कारण वो सती पार्वती बनी और वो कथा नहीं सुन पाई, सो गई। और जैसे ही भोले बाबा ने वो कथा विश्राम करी, आंखें खोली तो क्या देखा, पार्वती जी तो सो गई। लेकिन भोले बाबा हैरान कि हुंकारे की आवाज तो बराबर आ रही है, इसका मतलब कोई तीसरा है। जैसे भोले बाबा ने नजर फेरी, क्या देखा, एक अंडा जिसके अंदर शुक, शुक कहते हैं तोते को, वो अंदर से ही हुंकारे भर रहा था, अर्थात गर्भ में ही कथा सुन रहा था। अब आपको बता देते हैं कि जब कोई गर्भवती महिला होती है, उसे यही कहा जाता है कि सत्संग सुनो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे अच्छे विचार बनाओ। क्यों? क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु जो माता सुनेगी, जो माता देखेगी, प्यारे वही विचार उस बच्चे में आएंगे। आजकल क्या हो रहा है, गर्भ में शिशु है और खूब मोबाइल में सपना चौधरी की वीडियो देखती हैं। और कई कई तो ऐसे हैं भैया, सपना चौधरी के गानों पे भी नाचते हैं। अब क्या होता है, जब 9 महीने बाद में जीव बाहर आता है, चाहे बोलना आए या ना आए, खड़े खड़े ठुमके लगाते हैं सपना चौधरी के गानों पे। क्यों? क्योंकि वो गर्भ में देखा। इसलिए कहा जाता है कि प्यारे हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद है, कहते हैं ब्राह्मण के घर में धुंधकारी का भी जन्म हो सकता है, तो राक्षस के घर में प्रहलाद जैसे भक्त का भी जन्म हो सकता है। ये प्रहलाद का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि हिरण्यकश्यप की धर्म पत्नी के गर्भ में नारद जी ने सत्संग सुनाया चारों टाइम। ये भी कथा में आगे आएगा। ऐसे ही प्रहलाद नहीं बने, ये सत्संग का ही असर था। नारद जी ने जब देवी देवताओं ने हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी को अगवा कर लिया, तब नारद जी ने कहा पाप मत करो, क्योंकि देवी देवता घबरा गए। जब हिरण्यकश्यप इतना आतंकी है, ऐसा राक्षस है जो देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है, तो इसका पुत्र उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसे मारने के लिए अगवा किया तो नारद जी ने कहा इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे अपनी बहन बना के इसकी सेवा करूंगा और सुबह शाम इसे सत्संग सुनाऊंगा। तो प्यारे उसी सत्संग के द्वारा जो हिरण्यकश्यप का पुत्र राक्षस बनना जा रहा था, सत्संग के प्रभाव से प्यारे वो नारायण का भक्त बन गया। ये कथा का असर है, ये सत्संग का असर है। अब प्यारे जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि इसने तो मेरी कथा सुन ली, जैसे ही अपने त्रिनेत्र डाले, वो अंडा फूटा और उसमें से शुक अर्थात तोता उड़कर आगे जाने लगा। अब आगे आगे शुक और पीछे पीछे भोले बाबा। देखो कथा का कितना महत्व है। अभी गर्भ में ही कथा सुनी, भगवान पीछे पीछे हो लिए। अब जैसे ही शुक ने देखा कि मैं मेरा स्थान कहां है, मैं कहां छुपूं भोले बाबा से,
तभी क्या देखा, ब्याज जी की धर्मपत्नी कपड़े सुखा रही है। जैसे उबासी आई प्यारे, उसी क्षण बिना पल गवाए ब्याज जी की धर्मपत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश हो गए। पीछे से भोले बाबा आए, ब्याज जी से कहने लगे, तुमने किसी शुक को देखा है? बोले, प्रभु आपको तोते से क्या काम? बोले, उसने मेरी अमर कथा सुन ली है और मैं उसे जान से मारने के लिए आया हूं। ब्यास जी कहने लगे, महाराज हे त्रिलोकीनाथ, आप ही तो कह रहे हैं कि उसने आपकी अमर कथा सुन ली, वो अमर हो गया, तो आप कैसे मार सकते हैं? भोले बाबा ने कहा, बात तो ठीक है। भोले बाबा तो वापस अपने धाम को गए, लेकिन वो शुक गर्भ से बाहर ही नहीं आए। एक साल, दो साल, पूरे 12 साल हो गए। अब धर्मपत्नी को पीड़ा सताने लगी तो ब्यास जी कहने लगे, महाराज अब तो गर्भ से बाहर आ जाओ। गर्भ से ही आवाज आती है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले, क्यों? बोले, मुझे संसार की मोह माया जकड़ लेगी, अर्थात मुझे बाहर की हवा लग जाएगी, 99 के चक्कर में पड़ जाऊंगा। अब तो ब्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि संसार की मोहमाया नहीं जकड़ेगी। बोले, आप क्या वचन दोगे? आप भी तो गृहस्थी के बंधन में ही फंसे हो। बोले, तो कैसे बाहर आओगे? बोले, जब तक मुझे श्री हरि नारायण भगवान स्वयं आके नहीं समझाएंगे, दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब तो ब्यास जी ने श्री हरि नारायण भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप ही समझाओ इसे। तब श्री हरि नारायण भगवान ने श्री सुखदेव भगवान को गर्भ में दर्शन दिए। ध्यान देना, संसार में दो ही जीव ऐसे हैं जिसे श्री हरि नारायण भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए, एक श्री सुखदेव भगवान और दूसरा राजा परीक्षित। अब प्यारे, जैसे ही श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, वो नाल समेत ही वन में चले गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। पीछे से माताजी पिताजी पुकार रहे हैं कि बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। किसका बेटा, कैसा बेटा? क्योंकि भगवान ने कहा था तुम्हें माया नहीं जकड़ सकती। और मात्र 16 वर्ष की आयु में श्री सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत कथा के ऐसे प्रचंड प्रवक्ता बने जिन्होंने भागवत कथा को विश्व में प्रचार प्रसार करवा दिया। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। और प्यारे, उसी समय नारद जी सभी तीर्थों में घूम रहे थे, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने सोचा, चलो ठाकुर जी के धाम पे चलते हैं। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में क्या देखा, एक युवती रो रही है क्योंकि उसके 2 पुत्र कौन, ज्ञान और वैराग्य, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। उनको ऐसा रोग लग गया कि वो खड़े भी नहीं हो पाते। तो जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने उस युवती से पूछा कि देवी आप कौन हैं? देवी ने कहा, प्रभु मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य। मैंने सुना है जब दुखों की चरम सीमा होती है तो कोई ना कोई संत महात्मा आके उन दुखों का उद्धार जरूर करता है। तभी संत महात्मा को परमात्मा का रूप कहा जाता है कि आप मेरे पुत्रों को जीवन दान दे दीजिए। तब नारद जी ने उन्हें खूब वेद, खूब उपनिषद, खूब शास्त्र सुनाए। जब तक वेद शास्त्र चल रहे थे तब तक तो वो जागृत थे, लेकिन जैसे ही शास्त्र समाप्त होते ज्ञान वैराग्य भी ठंडे हो जाते। तब नारद जी बद्री का आश्रम में गए और बद्री का आश्रम में सनकादिक ऋषि मिले। सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्होंने कहा, नारद जी आपने ज्ञान वैराग्य को वेद ग्रंथ उपनिषद से सुनाए, लेकिन ठाकुर की लीलाओं का वर्णन नहीं सुनाया, अर्थात आप उन्हें भागवत कथा सुनाओ। तब प्यारे नारद जी ने ज्ञान वैराग्य भक्ति को श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराया। तब ज्ञान वैराग्य भक्ति खूब झूमने लगे, नाचने लगे, इतने खुश हुए
तब नारद जी से कहने लगे, नारद जी जैसे हमारा उद्धार हुआ, एक कृपा और कर दीजिए, हमें रहने का स्थान दे दीजिए, हम कहां रहें। तब नारद जी ने कहा, कलयुग में ये जीव का मन अशांत होगा और कलयुग में ये जीव जो एकाग्र मन से कथा सुनेगा, आप उसके मन में विराजमान हो जाना, उसके मन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों अपने आप जागृत हो जाएंगे जो प्रेम से कथा सुनेंगे। तब उन्होंने कहा, इस कथा को सुनकर किस किस का उद्धार हुआ। तब नारद जी ने कहा, अरे इस कथा को सुनकर जो भी जीव जंतु हैं, 84 लाख योनियों में जो भी आता है, जिसके कानों में भी ये कथा की ध्वनि पड़ती है, प्यारे उसका भी उद्धार हो जाता है। ये मत सोचना कि केवल आप ही कथा सुन रहे हैं, आपके द्वारा कोई कीड़े मकोड़े भी हैं। कई बार आपने देखा होगा गायें भी आ जाती है, कई बार आपने देखा होगा कोई बंदर भी आता है, वो किसी ना किसी रूप में कथा सुनता है। एक बार हम कथा कह रहे थे दिल्ली में, एक कुत्ता रोज आता था जिसका सर फटा हुआ था, कीड़े चल रहे थे, मक्खियां भिनभिनाती थी, लोग उसे भगाते थे, हम कहते थे इसे आने दो, वो आके व्यासपीठ के नीचे बैठ जाता था। 7 दिन उसने कथा सुनी और जैसे ही 7 दिन की कथा का विश्राम हुआ, प्यारे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु नहीं प्यारे, उसकी मुक्ति हो गई। प्यारे जब पशु पक्षी भी चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, फिर इंसान पीछे क्यों है। कोई कहता है हमें अपनी दुकान संभालनी है, कोई कहता है हमें अपनी रिश्तेदारी संभालनी है, किसी को नींद अच्छी लगती है, किसी को एयर कंडीशन अच्छा लगता है। अरे प्यारे एक बार 3 घंटे तप करके देख लो। पहले तो 1000 वर्ष तक तप किया जाता था तब भगवान की प्राप्ति होती थी, कलयुग में केवल 3 घंटे का तप है। जिसने अपने 7 दिन और 3 घंटे प्रभु को दे दिए, प्यारे मेरा ठाकुर जन्म जन्म तक उसका साथ देता है। एक बार उसे अपना बनाकर तो देखो। तब नारद जी ने कहा, अरे इस कथा को सुनकर जीव जंतु क्या प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है। जैसे आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी की मुक्ति हुई, जिसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो पाप का फल था। महात्मा ने दिए पुत्र होने का वरदान कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन कहते हैं हर चीज का इलाज है लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं। उसने वो फल अपनी पत्नी को ना देकर गौ माता को खिला दिया और अपनी बहन से पुत्र प्राप्त करके पिता से कह दिया कि हमारा पुत्र हो गया। एक पाप का फल और एक महात्मा का फल। पाप का फल कौन, धुंधकारी, और महात्मा का फल गोकर्ण महाराज। दोनों बड़े हुए, एक कुकर्मों में पड़ गया, एक सत्संग में पड़ गया। अब प्यारे उस धुंधकारी ने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया कि मां का देहांत हो गया, पिता सदमे में वन चले गए, जंगल में चले गए। अब उसी धुंधकारी ने 5 वेश्याएं रख ली, उसका पालन पोषण करने लगा। और ये 5 वेश्याएं कौन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसके चक्कर में इंसान पागल हो रहा है। अब उसको पालने के लिए राजा का खजाना लेकर आया और 5 वेश्याओं को दे दिया। 5 वेश्याएं सोचने लगी, ये राजा का खजाना तो ले आया, हमारा नाम ले देगा तो हम भी जेल जाएंगी। इसलिए 5 वेश्याओं ने सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। प्यारे धुंधकारी चारपाई पे सो रहा था, 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सी से बांधा, खूब डंडे मारे, खूब कोड़े मारे, खूब अंगारे डाले, धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। क्यों, अच्छे आदमी को भगवान जल्दी बुला लेता है, आपने देखा होगा या सुना होगा। और जो सारा दिन पीने में चलता है, लड़ाई झगड़े में चलते हैं, उनको इतनी जल्दी मृत्यु भी नहीं आती।
अब धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई और मृत्यु हुई तो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन गया। जीते जी तो परेशान करता था, प्यारे मरने के बाद और परेशान करने लगा। सभी गांव वाले गोकर्ण महाराज के पास गए, बोले महाराज धुंधकारी ने हमें बहुत परेशान करके रखा है, जीते जी तो परेशान करता था, मरने के बाद प्रेत बन के और ज्यादा परेशान करने लगा, आप प्रेत मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तब गोकर्ण महाराज ने कहा प्रेत मुक्ति का केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा, कि आप सभी भागवत कथा का अनुष्ठान करें और सबके सहयोग से जो कार्य होता है उसमें स्वयं साक्षात नारायण भगवान होते हैं, और ये कथा भी आप सभी के सहयोग से हो रही है, इसीलिए जैसा आप सभी को लगे। देखो यहां पर धन प्राप्ति के लिए या किसी प्राप्ति के लिए कथा नहीं हो रही, वरना पहले पर्चियां कटती हैं, बड़े बड़े कलश लिखवाए जाते हैं, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं जितने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, अगर किसी एक का भी स्वभाव बदल जाए, कोई एक भी अगर भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारी कथा सफलता की राह पे चल रही है। और ये कथा आप सभी के सहयोग से है, इसलिए आपको जैसा लगता है, किसी पे कोई जबरदस्ती दबाव नहीं है। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि हम भागवत कथा में प्रसाद की व्यवस्था कर सकें, जो आप सब में ही बंटना है, वो अकेले भी कर सकते हैं, दो चार जने मिलके भी कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा सभी ला सकते हैं, जिससे कथा के बाद में जो प्रसाद हो वो आप सब में ही बंट जाए। और कल से हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस होगा, साक्षात ठाकुर जी दर्शन देंगे। कल से श्री हरि नारायण भगवान आपको वामन भगवान के रूप में दर्शन देंगे, बोलिए वामन भगवान की जय। और परसों साक्षात ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा विशाल। एक दिन पहले आपको अगली उत्सव का निमंत्रण भी मिलेगा और इसके बारे में भी बताया जाएगा। और जैसा कि आपको हमने कल बताया था कि आपने संत बनना है, अच्छा कल किस किसने कहना माना कि हमने कहा था कि कुछ निमंत्रण अपने मुख से भी देना है, किसी ने दिया? एक बार हमारी बहन के लिए जोरदार ताली का स्वागत करेंगे। चलो एक ने तो हाथ उठाया, हम चाहते हैं कि प्यारे इसमें कोई पैसा नहीं लगना, आते जाते घूमते हुए सिर्फ आपने मुख से कहना है कि हमारे गांव में भागवत कथा के रूप में बताया था, बहुत अच्छी कोई बात नहीं, आपका काम है कहना, बुलाना ना बुलाना मेरे ठाकुर के हाथ में है। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपने जो मंगल कलश उठाया है इसमें कोई आपका खर्चा नहीं हो रहा, हम चाहते हैं लेकिन विधि विधान से काम हो, कि आपने जो कलश उठाया है उसका पूजन अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि कथा का संपूर्ण फल तभी मिलता है जो आपने नारायण भगवान को शीश पे उठाया है, कम से कम उसका एक दिन पूजन अवश्य होना चाहिए। तो रोज सुबह 9 बजे हमारे पंडित जी, 9 बजे सारी पूजन की सामग्री यहां पर है, आपने केवल स्नान करके और मन पवित्र करके पंडाल में आना है। और एक दिन पहले अगर पंडित जी को अपना नाम लिखवा दो कि महाराज जी कल की पूजा हमारी है, कोई सामान नहीं लाना, सारी पूजा की व्यवस्था यहीं से होगी, और जो आपका सामर्थ्य हो, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजा स्वीकार नहीं की जाती, इसीलिए कहा जाता है, कोई दबाव नहीं है, जैसा आपका मन करे, लेकिन पूजन अवश्य करवाओ, जिससे आपको भागवत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और उसके बाद कल कहा था कि आपने व्यासपीठ की परिक्रमा करनी है, क्योंकि हाँ जी हाँ आज से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सुबह करो चाहे शाम को करो, बस कथा के समय ना करो, उससे कथा में विघ्न होता है। अगर सामर्थ्य हो तो 108 परिक्रमा करो,
और अगर समय नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, तो 7 दिन में 108 मिलाकर कर लो। और हर परिक्रमा में चाहे मिश्री के दाने, चाहे टॉफी के दाने, चाहे मेवा के दाने, चाहे सिक्के के रूप में, जैसा आपका भाव हो वो परिक्रमा करो। और 28 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन होगा। और उसके बाद जैसे ठाकुर की इच्छा होगी, जैसे भंडारी की व्यवस्था होगी, वैसा भंडारा किया जाएगा। और आप सभी को, जैसे आप ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हो, ऐसे ही सेवा की ज्ञान गंगा में गोते लगाते हुए, जिसका जैसा भाव हो कि मैं भंडारे में आटे के रूप में या सब्जी के रूप में या रिफाइंड के रूप में या सामर्थ्य अनुसार नगद राशि के रूप में, जैसा जिसका भाव हो, जिसको सामर्थ्यवान बनाया है मेरे ठाकुर ने, क्योंकि वो प्रसाद भी आप सब में ही बंटना है। तो जो भी सेवा करना चाहे वो हमारी लता दीदी को अपनी सेवा अवश्य लिखवाएं, क्योंकि जो अन्न का दान करता है भंडारे के रूप में, प्यारे विश्वास मानो, मेरा ठाकुर उसके भंडार भरने में देर नहीं लगाता। कि तुम दो हाथ से सेवा करो, भगवान हजार हाथ से किसी ना किसी रूप में तुम्हारे भंडार अवश्य भरता है। लेकिन हमेशा सरल रह के कभी ये मत कहना कि मैंने इतना भंडारा किया या मैंने इतना दान किया। यही कहना, ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके कार्य में अपनी थोड़ी सी भी सेवा कर सकें। क्योंकि सेवा भी भगवान उससे लेता है जिस पर मेरे ठाकुर कृपा करें। चाहे कितना ही धन अलमारी में हो, बैंक में हो, जब तक कृपा नहीं होगी वो सेवा में नहीं लगेगा। हाँ, बीमारी में, कोर्ट में, गलत कामों में लग जाएगा, लेकिन सेवा में तब लगेगा जब मेरे ठाकुर की कृपा होगी। अब प्यारे, कि आज आप देख रहे हैं 80% घरों में महाभारत हो रही है, और ये महाभारत होने के 4 पात्र की वजह से हुई है। पात्र कहते हैं कलाकार को। ये 4 कलाकार आज भी 80% घरों में हैं। सबसे पहला धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन और चौथा द्रौपदी। ये 4 कलाकार आज भी हैं हर 80% घरों में, जिनकी वजह से महाभारत हो रही है घरों में। धृतराष्ट्र कौन है? जो आंखों पे पट्टी बांधकर अपने बच्चों को अनाप शनाप खर्चा देते हैं। बच्चों ने मांगे 10, ले बेटा 50 रुपए। बच्चों ने मांगे पिताजी 50, ले बेटा 500 रुपए, क्योंकि धन की कोई कमी नहीं है। और कई तो ऐसे ऐसे भी हैं कि पिताजी के पास बटनों वाला फोन और बच्चों के पास 50,000 रुपए के एंड्रॉयड आईफोन, और इतने महंगे महंगे फोन लेके बच्चे क्या करते हैं, रात को 2-2 बजे तक लगे रहते हैं। माता पिता की हिम्मत नहीं कि पूछ ले कि क्या देख रहे हो। और प्यारे, जब बच्चे वो उस प्रेम, ज्यादा लाड प्यार की वजह से बिगड़ जाते हैं, तो वही माता पिता को दुख देते हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र मत बनो। दूसरा है दुर्योधन। आजकल आप देख रहे हो 80% घरों में दुर्योधन है। दुर्योधन कौन है? जो अपने माता पिता की संपत्ति पर आग गड़ाए हैं, जो अपने भाइयों की संपत्ति पर आग गड़ाए हैं और आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। आजकल तो समाचार में, अखबार में भी देख रहे हो कि भाई भाई को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, पिता पुत्र को मार रहा है, और कई कई तो भाई भाई को जहर भी दे रहे हैं। ये सुनकर, ये देखकर कलेजा कांप जाता है। क्या इस जमाने में कलेजा तक
हिला देते हैं दो इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लो सगे भाई को जहर हंस के हिला देते हैं लो सगे भाई को जहर हंस के हिला देते हैं लो इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लो इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लो सगे भाई को जहर हंस के हिला देते हैं लो सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लो पैसों को अहमियत दी जाती है जिसके पास पैसे हैं सब पूछते आप कैसे हैं पैसे बिन यार कहां पैसे बिन प्यार कहां पैसे बिन प्यार कहां पैसे बिन यार कहां गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहां गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहां बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लो बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लो सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लो सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लो प्यारे सबसे बड़ा गुरु होता है समय वक्त जो इंसान से इंसान की पहचान करा देता है सुख में तो दूर का रिश्तेदार भी कहेगा कि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं और पता कब लगता है जब विपत्ति आती है जब दुख पड़ता है अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले एक महामारी आई थी जिसका नाम था कोरोना उस समय इंसान इंसान को देख के डर रहा था हाथ भी नहीं लगाता था चाहे भाई हो माता हो पिता हो सब अपनी जान बचा के घूम रहे थे उस समय बड़े से बड़े पैसे वाले भी हार गए उन्हें पता लग गया कि धन किसी काम का नहीं खाने तक के लाले पड़ रहे थे और उस समय जब किसी को पुकार रहे थे सब अपने दरवाजे बंद करके बैठे थे क्या वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा जिनसे करते थे वफा
बैठे थे दगा, पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग, पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग। और प्यारे उसके बाद बारी आती है दुशासन की, कि पहले दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची, अपमानित किया, निर्वस्त्र करना चाहा। उस समय द्रौपदी के बुलाने पर कन्हैया आ गए, लेकिन आज कितनी महिलाएं कितनी कन्याएं सरेआम उनकी इज्जत आबरू लूट रही है। हरियाणा को तो खैर ज्यादा नहीं पता, दिल्ली का आपको बता देते हैं। अभी कुछ समय पहले एक कन्या के 35 टुकड़े कर दिए थे, शायद आपने समाचारों में या यूट्यूब में देखा होगा। एक दिल्ली में शाहबाद डेयरी है, वहां पर कितनी बार चक्कू पत्थर मार मार के बेटी को कुचल दिया था। आज क्यों नहीं बचाने आते कन्हैया? क्योंकि प्यारे पहले दुशासन भी अकेला था और द्रौपदी भी अकेली थी। आज दुशासन हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे, हर गली में और तो और कई घरों में भी है, जिसकी वजह से महिलाएं ना बाहर सुरक्षित हैं ना घरों में सुरक्षित हैं। उसके बाद बारी आती है द्रौपदी की। द्रौपदी कौन? जो बिना सोचे समझे बोल दे। द्रौपदी ने एक शब्द कहा था दुर्योधन से, बिना सोचे समझे, अंधे का बेटा, जिसकी वजह से पूरी महाभारत हो गई। और आज भी घरों में महाभारत इसी वजह से हो रही है कि आजकल कोई किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, चाहे सामने सासू जी हो, जेठानी हो, जेठ हो या भाई हो, कोई भी हो। प्यारे एक बात ध्यान रखना, ये शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। ये शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। जब ये जुबान रूपी ताला खुलता है तब पता चलता है ये दुकान सोने की है या कोयले की है। आज एक काम करना मेरे कहने से, घर में जाकर एक बार आईने में अपना चेहरा जरूर देखना और चेहरे में अपने क्या देखना है, अपने होठों को देखना। जब आप देखोगे तो आपके होठ धनुष के आकार की तरह दिखाई देंगे। किसकी तरह? धनुष की तरह। अब उस धनुष रूपी आकार में से शब्दों के तीर निकलते हैं, जो आप बोलते हो शब्दों के तीर निकलते हैं। अगर कड़वे वचन होंगे तो प्यारे किसी के दिल को चीर जाएंगे, और अगर मीठे शब्दों के तीर निकलेंगे तो किसी के दिल में प्रवेश कर जाएंगे। अरे गुड़ मत दो गुड़ जैसी बात ही कर लो, गुड़ मत दो गुड़ जैसी बात ही कर लो। जिस घर में मिठास नहीं होती उस घर में चींटियां भी नहीं आती, भगवान तो दूर की बात है। बड़े ध्यान से सुनना कि भगवान या अतिथि खाने के भूखे नहीं होते। किसके भूखे होते हैं? भाव के, प्रेम के। अरे कोई तुम्हारे घर में अतिथि आए, मुस्कुरा के एक गिलास पानी पिला दोगे प्यारे, वो प्रसन्न हो जाएगा। और तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, पूरी टेबल रसगुल्ले से, रसमलाई से, गुलाब जामुन से, मेवों से भर दो, और उस मेहमान से कहो, देखे कभी ऐसे गुलाब जामुन, खाए कभी ऐसी रसमलाई, तो क्या उसका मन करेगा? प्यारे वो भाव से पानी पी के भी प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन अगर भाव तुम्हारे अच्छे नहीं है तो तुम्हारा मेवा भी बेकार हो जाएगा। ऐसे ही दुर्योधन जो झुकने को तैयार नहीं था, कहता है भले टूट जाऊं लेकिन झुकूंगा नहीं। महाभारत में भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग टूट गई। अब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा,
जाओ और पांडव के शीश काट के लाके दो, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। अब अश्वत्थामा गए पांडव के महल में, रात का समय था, तलवार निकाली और प्यारे जल्दबाजी में अंधेरे में पांच पांडव की जगह पांच पांडव के पुत्रों के शीश काट दिए। जैसे पुत्रों के शीश काट के दुर्योधन के पास ले गए, बड़े खुश हुए, देखो दुर्योधन मैं पांडव के शीश ले आया। जैसे दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन चिल्लाए, अरे अश्वत्थामा तूने क्या कर दिया, मैंने तो तुझे पांडव के शीश लाने के लिए कहा था, तू उनके पुत्रों के शीश ले आया। दुर्योधन कहने लगे, माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, यह दुर्योधन मान चुके हैं कि माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन अश्वत्थामा जो तूने पाप किया है वो माफी के काबिल नहीं है, इसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। क्या हुआ, इधर द्रौपदी जो अपने पुत्रों का इंतजार करती थी, क्योंकि सूरज उगने से पहले उसके पांचों पुत्र अपने माता पिता के चरण छूने के लिए आया करते थे, आज सूरज उगाया लेकिन बेटे नहीं आए। देखो आजकल के बच्चों का हाल भी देख लो, 80% घरों में बच्चे आज माता पिता के चरण नहीं छूते। अच्छा इक्का दुक्का जो छूते भी होंगे, कैसे छूते हैं, चरणों तक तो पहुंचते नहीं है, घुटनों से आधे वापस आ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बच्चों की गलती नहीं है, इनमें माता पिता की गलती है कि उन्होंने झुकने का महत्व नहीं समझाया। असल में झुकने से होता क्या है, पूर्ण रूप से जब आप माता पिता के चरणों में पूर्ण रूप से झुकते हैं या भगवान के चरणों को पूर्ण रूप से झुकते हैं, तो सिर पे पाप जो होते हैं ना वो गिर जाते हैं और भगवान का माता पिता का आशीर्वाद सिर पे आ जाता है। और जब पूर्ण रूप से झुकोगे नहीं तो प्यारे पहले ही पाप का घड़ा जब खाली नहीं होगा तो उसमें भरा क्या जाएगा। इसीलिए अपने बच्चों को झुकना सिखाओ। कहते हैं जो झुक सकता है वही संसार को झुका सकता है, ध्यान देना, अकड़ में कुछ नहीं रखा। अब दुर्योधन अकड़ में था, अब जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे पुत्र नहीं आए, मैं ही पुत्रों के पास जाऊं, क्या देखा पुत्र तो है ही नहीं, पुत्रों के लहू लुहान शव पड़े थे। द्रौपदी चिल्लाई कि हाय मेरे पुत्रों का ये हाल किसने किया। और जब अर्जुन को पता लगा कि दुष्ट कार्य अश्वत्थामा ने किया है, तभी द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी तू चिंता मत कर, जिसने हमारे पुत्रों की निर्मम हत्या करी है मैं उसे तुम्हारे चरणों में गिरा के उसका मस्तक नहीं काटूंगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के चरणों में गिरा दिया और जैसे ही मस्तक काटने जा रहे थे, द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु इसे मत मारो। अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी जिस अश्वत्थामा ने हमारे पांचों पुत्रों की निर्मम हत्या करी तुम उसे जीवन दान दे रही हो। तब द्रौपदी कहने लगी, क्या इसकी मृत्यु के बाद हमारे पुत्र जीवित हो जाएंगे, इसे मत मारो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या करोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अर्जुन कहने लगे, है तो द्रौपदी ये ब्राह्मण लेकिन ये दुष्ट भी है, आतताई भी है, इसको छोड़ना भी ठीक नहीं, क्या करें। तब विचार मन में आया कि अश्वत्थामा की शिखा काट दो, मणि छीन लो और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। और कहते हैं जिस ब्राह्मण का अपमान होकर घर से निकाल दिया जाता है, समझ लेना उसकी हत्या हो जाती है। अब जाते जाते अश्वत्थामा ने पांडव को ही ललकार दिया, पांडव मैं तुम्हारा आखिरी वंश समाप्त कर दूंगा। तभी जटा में से एक बाल उखाड़ा और उसका ब्रह्म अस्त्र बनाया और पांडव के आखिरी वंश पे छोड़ दिया। सजनों पांडव का आखिरी वंश कौन है,
अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा और उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु। जैसे ही वो बाण, वो ब्रह्म अस्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ आ रहा था, तभी उत्तरा ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, मैंने कभी किसी का बुरा करना तो दूर कभी सोचा भी नहीं, फिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये लोहे का बाण मेरी तरफ क्यों आ रहा है, हे प्रभु चाहे मेरी जीवन लीला समाप्त करवा दो लेकिन मेरे कोख में पल रहे शिशु की रक्षा करो। तब उत्तरा की प्रार्थना श्रीहरि ने स्वीकार करी और तब उत्तरा के गर्भ में श्री हरि नारायण भगवान आए, सुदर्शन चक्र को काट, ब्रह्म अस्त्र को काटा और गर्भ में उस शिशु को दर्शन दिए। और जैसा कि हमने बताया, संसार में दो ही जीव ऐसे हुए हैं जिन्हें गर्भ में श्री हरि ने दर्शन दिए, एक श्री सुखदेव भगवान और एक राजा परीक्षित। जैसे ही उस पुत्र का जन्म हुआ, ब्राह्मण ने उसका नाम रखा परीक्षित और कहा कि बड़े होके ऐसे राजा बनेंगे जिसके राज्य में कभी अधर्म नहीं होगा। परीक्षित का अर्थ होता है पररक्षित, जो दूसरों के लिए जीता हो, दूसरों की रक्षा करता हो। वो बड़े होके ऐसे राजा बने उसके राज्य में कभी भी अधर्म नहीं होता, कभी भी पाप नहीं होता। एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य में घूम रहे थे, तभी क्या देखा, एक राक्षस एक बैल को मार रहा है और बैल भी बेचारा एक पैर का, एक चरण का, और पास में गौ माता रो रही है। जैसे राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में इतना बड़ा अनर्थ, तलवार निकाली और उस राक्षस को मारने जा रहे थे, तभी मन में विचार आया कहीं मेरे से ही अनर्थ ना हो जाए, देखूं तो सही बात क्या है। सबसे पहले गौ माता के पास गए, बोले देवी आप कौन हैं? गौ माता ने कहा महाराज मैं पृथ्वी हूं। क्या हूं? पृथ्वी। और ये राक्षस और कोई नहीं, ये कलयुग है। और जिस बैल को मार रहा है ये बैल और कोई नहीं, ये धर्म है, और वो भी एक चरण का। देखो कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा है, वैसे धर्म के कितने चरण हैं? चार। और ये चार चरण कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कल टेस्ट भी होगा। सबसे पहला चरण बोलो सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। पहला, दूसरा, आवाज नहीं आ रही, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दान। ये चारों चरण कब थे? जब सतयुग था। सतयुग में लोग सत्य भी बोलते थे, खूब तप भी करते थे, खूब दया का भाव था और खूब दान पुण्य करते थे, इसलिए सतयुग में श्री हरि नारायण भगवान सबको दर्शन देते थे। जैसे ही सतयुग चला गया, सत्य चला गया। अब त्रेता में तीन चरण बचे, तप, दया और दान। जैसे ही त्रेता युग गया, एक चरण और समाप्त हो गया, तप चला गया। द्वापर में दो चरण बचे दया और दान के। जैसे ही द्वापर गया, एक चरण और समाप्त हो गया, दया भी चली गई। अब कलयुग में केवल एक चरण बचा है, वो है दान का। इसीलिए संत महात्मा कथा में तुम्हें दान की महिमा बताते हैं, सेवा की महिमा बताते हैं कि केवल दान से ही धर्म टिका हुआ है। इसीलिए किसी न किसी रूप में सेवा अवश्य करनी चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। इसीलिए कथा में कहते हैं कि जैसा तुम्हारा भाव हो, चाहे भागवत कथा में अखंड ज्योत में घी की व्यवस्था हो, चाहे ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था हो, चाहे रोज के प्रसाद की व्यवस्था हो, चाहे भंडारे में सामान में किसी भी रूप में व्यवस्था हो, इसी से ही धर्म चलता है और यही तुम्हारे काम आता है। जब किसी घर में कोई भयानक रोग लग जाए या कोई एक्सीडेंट में बच जाता है तो लोग क्या कहते हैं, कुछ लिया दिया काम आ गया। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जब आप थोड़ी सी भी सेवा करते हो तो
तो भगवान उसे कई गुना किसी रूप में तुम्हें अवश्य लौटाते हैं। तो प्यारे, आज का समय कथा का क्या रखा गया था, और आप सब आए कितने बजे, इसीलिए देखो समय पर आएंगे तो हमारा भी मन करता है कि आपको, अच्छा ये बताओ कथा में आनंद किस किस को आ रहा है, पक्का एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे अपने लिए, क्योंकि श्रोता में रस आता है तो वक्ता में भी रस आता है। इसीलिए अगर आपको आनंद आ रहा है तो ये आनंद औरों को भी दें। कई कहते हैं ना, आनंद नहीं आता है क्या के करेगी जाएगी, कुछ समझ में तो आवे ना, कि आजकल लोग ज्यादा क्या देखते हैं, अरे बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं, बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया टेंट है, आजकल वो इंसान देखने जाता है। एक जगह बहुत विशाल भागवत कथा हो रही थी, एक महिला रोज जाती थी कथा में, पति देव पूछते थे भगवान कहां जाती, बोले अरे क्या बताऊं मैं भागवत कथा में जाती हूं। पति देव कहते हैं क्या होता है वहां पे, बोले क्या बताऊं इतने बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े कूलर लगे हैं, दल्लब के गद्दे में बैठती है। अरे भगवान आनंद भी कुछ आता है नहीं आता, बोले आनंद खूब आता है, बोले आनंद कैसा आता है, बोले प्रसाद बहुत मिलता है वहां पे, बोले लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, सब प्रसाद के लिए आते हैं वहां पे। तो सज्जनों देखो, दो तरह के प्रसाद होते हैं, या तो खाने का प्रसाद ले जाओ या प्यारे कथा रूपी प्रसाद ले जाओ, वो प्रसाद तो समाप्त हो जाएगा लेकिन कथा रूपी प्रसाद आपने ग्रहण कर लिया, विश्वास मानो ये उस समय साथ आएगा जिस समय कुछ साथ नहीं देता। ये कथा का तुम्हें समय बहुत काम आता है, जो कथा में सेवा करते हो ये ना जाने किस रूप में तुम्हारे काम आती है। तो कल से कथा कितने बजे आरंभ करें, एक बजे ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं, चलो 12:30 ठीक है, एक बजे तक आ जाना, क्योंकि समय से कथा आरंभ होगी तो आप समय से अपने घर भी प्रस्थान करोगे। कई बार ऐसा लगता है कई माताएं मैंने घूर घूर के देखती हैं, बोले महाराज चुप ही नहीं हो रहे, चलो बहुत अच्छी बात है, आइए प्रेम से आरती करते हैं। और कल वामन भगवान का बहुत सुंदर प्राकट्य दिवस है,